बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष राजनीति शास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र के पेपर 3 के बारे में। आज के वीडियो के अंतर्गत ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे और बड़े ही आसानी से यह पेपर जो 3 में आने वाले प्रश्न हैं उसको समझेंगे। पेपर 3 का नाम क्या है आपको ये भी बता दें। पेपर 3 का आपके नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसको अंग्रेजी में आप बड़े प्यार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास, और उसके उत्तर को भी कैसे लिखना है आपको, ये शैली और उत्तर में क्या लिखना है ये भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर या बीए पार्ट 3, ये बात आप ध्यान रखिए, उसका पेपर 3 जो होता है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ और वही आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। पेपर 3 जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, ध्यान रखिएगा ये मॉडल पेपर एक प्रकार से सॉल्व मॉडल पेपर है, और इससे पहले बता दूं पेपर 1 का और पेपर 2 का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग उनको अवश्य देखें उस वीडियो को। ओके, चलिए अब बात की जाए आगे और भी सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, आपका प्राचीन इतिहास हो गया, इन सभी के मॉडल पेपर आपके समक्ष जल्दी आएंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। ओके, अब आपके लिए तैयारी होगी बीए थर्ड ईयर के लिए और सेकंड ईयर इन सभी के लिए अब तैयारी होगी। फर्स्ट ईयर वालों की तैयारी अब हमने लगभग करवा दी फर्स्ट सेमेस्टर की, अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी उन लोगों की होगी और बाकी आप लोगों के लिए मैं अब इस समय आ चुका हूँ। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए, आसानी समझते हैं। बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पेपर का नाम है, पेपर 3 है आपका, इससे पहले पेपर 2 जबकि दो पेपर जो ऑलरेडी हैं आपके उसके मॉडल पेपर को डिस्कस कर चुका हूँ। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर इसमें रखे गए हैं। चलिए देखते हैं भाई, पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ बा और सा। हालांकि बता दूं यहां पर एक सबसे पहली बात आपको बताना ये है कि जैसे कि आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी जो होती है वो अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से अपना मॉडल पेपर सेट करती है, कैसे प्रश्न पूछना है, कितने प्रश्न बच्चों को करना है वो यूनिवर्सिटी अपना खुद निर्धारित करती है। और बाकी आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो होती है वो तो खुद निर्धारित करती ही कि मॉडल क्या होगा आपका, लेकिन जो सिलेबस होता है लगभग आपका सेम ही होता है। अगर आप बीए थर्ड ईयर में हो और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस में आप जो पेपर 3 पढ़ते हो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जनरली अधिकतर विश्वविद्यालय में यही है। तो अगर आपके पेपर का नाम है, चाहे आप बीए सेकंड ईयर में हैं, चाहे बीए थर्ड ईयर में हैं या फिर सेमेस्टर में है किसी भी, आप अगर आपके पेपर का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स आपके पेपर का नाम है, निश्चित तौर पर यह लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शन करेगा, तो आप बड़े ही आसानी से इस लेक्चर को अंत तक अवश्य इंजॉय कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। तो यहाँ पर मॉडल पेपर कुछ मेरा ऐसा होगा कि इसमें हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखेंगे, 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे यहाँ पर, जिनमें से आपको 5 करने होंगे, लेकिन मैं 10 के 10ों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 5 जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, लेकिन इनमें से आपको 2 करने होंगे, 10 के 10ों को आपको अति लघु उत्तरीय में करना होता, तो ऐसे मॉडल पेपर हमने यहाँ पर सेट किया है। हालांकि ये मॉडल पेपर एक प्रकार से औसत मॉडल पेपर बोल सकते हैं, चूँकि ये कॉमन है, चूँकि इसमें 10 लघु उत्तरीय, 10 अति लघु उत्तरीय, 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से आप रूबरू हो सकेंगे। तो ये मेरा मकसद है कि आपको प्रश्न दिखाया जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, खंड आ के 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ओके, जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पहला प्रश्न क्या है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है, क्या आप ऐसा मानते हैं, या इसकी अब जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कोई भी विषय को लेकर के कि क्या ये विज्ञान है, तो इसका मतलब वो उसकी प्रकृति के बारे में जानना चाह रहा है, मतलब नेचर पूछ रहा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है उसका नेचर जानना चाह रहा है। और आपको बता दूँ नेचर माने क्या होता है, प्रकृति होता है हिंदी में, तो आपका अब इसमें चाहे नेचर बता दो आप और चाहे जो है आप इसकी राजनीति के लिए बता दो, क्योंकि बात की जाए जो है अधिकांश विद्वानों की, आप लिखेंगे कि अधिकांश विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान ही मानते हैं और उनके द्वारा तमाम सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि अब तमाम सारे तर्क में आप क्या क्या लिखोगे, उनमें तर्क में आप जैसे बता दें कि हाँ जैसे एक एक नंबरिंग डाल करके लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें एग्जामिनर जो होगा प्रसन्न होगा, नंबर आपको देगा। क्या लिखेंगे भैया, आपको लिखना है कि भविष्यवाणी, क्या क्या लिखना है भाई आपको, क्या लिखना है कि भविष्यवाणी इसमें हो सकती है, किसमें भविष्यवाणी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है इसमें भविष्यवाणी हो सकती है, पहला बात, इससे ये जो है विज्ञान है।
दूसरी बात क्या होती है, भविष्य वाणी मतलब कि क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी नियमों के माध्यम से ये बताया जाए कि हाँ भविष्य में क्या चीज़ें होंगी या फिर इस नियम में क्या परिवर्तन हो सकता है, ऐसी बातें भविष्यवाणी कहलाती जनरली। ठीक है, तो ये होगी भविष्यवाणी। ठीक, दूसरी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रयोगशाला का प्रयोग इसमें होता है, तो प्रयोगशाला अर्थात जिसमें जो प्रयोग जहाँ पर किया जाता है उसके उसका भी व्यवस्था होती है, उसकी व्यवस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो प्रयोगशाला की भी व्यवस्था होती है। तीसरी बात क्या भाई, क्यों विज्ञान है ये, तो दो ही बात हो गई विज्ञान की कैटेगरी में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसीलिए विज्ञान है चूँकि ये क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात क्या है, चूँकि इसमें प्रयोगशाला विधि के द्वारा अध्ययन होता है। और तीसरी विधि कौन सी हो गई, और आप देखते होंगे कि रसायन विज्ञान इन सभी की क्या होती है, प्रयोगशाला लाइब्रेरी होती है, तो ऐसे इसकी भी लाइब्रेरी आपकी होती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला जो होती है तो एक्सपेरिमेंटल जो कक्ष होता है आपका, तो वो इसमें होता है, और जिस भी विषय में प्रयोगशाला होती है खास करके उस विषय वस्तु को हम विज्ञान की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बातें। तीसरी बात ये है कि निष्पक्षता है इस विषय में, क्या है निष्पक्षता है, मतलब किसी की पक्ष की तरफ जो है झुकाव नहीं है, ना किसी पक्ष के तरफ जो है रूखापन है, किसी की तरफ ना झुकाव है ना थोड़ा लगाव है, ना किसी के प्रति जो है असहिष्णुता है, मतलब कई प्रकार की चीज़ें। कहने का मतलब यहाँ पर मेरे ये है कि निष्पक्षता इसमें पाई जाती है, और जिस भी विषय वस्तु में निष्पक्षता पाई जाती है जनरली वो सब्जेक्ट क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, विज्ञान होता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ साइंस, समझ गए बातें, तीन फैक्ट होगा। चौथा फैक्ट आप ये भी बता सकते हो, अगर यही प्रश्न आपका लघु उत्तर में पूछा जाएगा तो भी आप बड़े आसानी से बता ले जाएंगे ये, चूंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको। ठीक, चौथी बात ये है कि इसके जो नियम होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के जो नियम होते हैं ना भाई, ये कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स के जो नियम होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक माने होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने होता है कि हमेशा रहेगा वो, मतलब जो नियम होंगे वो हमेशा चलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो है जैसे कि यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल समझ रहे हैं क्या है, यूनिवर्सल आपका होता है सूर्य पूरब से उगता है, तो सूर्य हमेशा पूरब से ही उगेगा, पश्चिम से आपके चिल्लाने से या आपके कहने से सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उगेंगे, वो पूरब से ही उगेंगे। क्यों उगेंगे, क्योंकि वो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या है, मृत्यु एक यूनिवर्सल है, सभी व्यक्ति को मरना है, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो इसी प्रकार से मतलब इतना ज़्यादा तो सार्वभौमिक नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय नियम, लेकिन हाँ 90% या 80% सार्वभौमिक आप मान सकते हो, तो इस श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि हाँ सार्वभौमिकता इसमें पाई जाती है, या इसके नियम सार्वभौमिक हैं, अर्थात जो लॉ होते हैं इनके ये क्या है, ये भाई यूनिवर्सल, समझ में गए बातें। चलिए पांचवी बात इसको वैज्ञानिक जो है होने पर ये मजबूर कर देती है, वो है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य होता है आपका जो जो है साइंस वाली जो मेथड होती है, जो विधि होती है आपकी, जो साइंटिफिक मेथड होता है उसका प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है, समझेंगे बातें। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीयता का या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं, और जब भी किसी विषय वस्तु में हम ऐसा करते हैं तो विज्ञान की श्रेणी में आता है, निश्चित तौर पर आपका उत्तर हो गया। और ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप ना करें, और अपने आप को बड़ी ये ना सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ या फिर ऐसा है, आप अपने आप को हमेशा से ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति कुछ भी दे रहा है, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, तो आप उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। ये एक जो है उच्च विद्यार्थी की एक प्रकार से बात की है, तो परम और चरम जो है एक प्रकार से उसका लक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिए छठवीं चीज़ वो होती जैसे कि उसकी कार्य करने की शैली कैसी है, और कारण उसका क्या होता है, तो कार्य और कारण में संबंध जो विषय अपनाता है, तो कार्य कारण संबंध बता दिया, मतलब कि कार्य और कारण के बीच में क्या संबंध है, इस कारण को अगर जो है जिस जो विषय वस्तु डिफाइन कर लेती बता देती तो वो विज्ञान होती है। निश्चित तौर पर इतने सारे मुद्दों को पढ़ने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे मुन्नवा कि हम क्या लिख देंगे कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है भाई, विज्ञान है। बोलो है कि नहीं है, आप ही बोलोगे है ना। चलो आगे बढ़ा जाए भैया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत जानकार हो भाई आप लोग, तुरंत समझ में आ जाती है बातें आपके। चलिए हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे गोगा बने बैठे रहते थे क्लासवा में,
और जो है टीचर जी आकर के समझाते थे, कुछ समझे भी नहीं आता था, अब पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि आमंड ने राजनीतिक संरचना के कितने कार्य बताए हैं। अभी ये आमंड कौन है भैया, आमंड है कौन, आमंड एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो इन्होंने जो है राजनीतिक व्यवस्था के या राजनीतिक संरचना के कितने कार्य बताए आपसे पूछा जा रहा, तो निश्चित तौर पर इन्होंने कितने कार्य बताए हैं, 7 कार्य बताए हैं, जिनमें से बात किए तो 4 इनके अदा कार्य हैं। कौन से हैं, 4 इनके अदा कार्य हैं और इनके 3 जो है वो प्रदा कार्य हैं। अब मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो 4 कैसे हैं, अदा कार्य हैं और 3 आपके कौन हैं, 3 कार्य कौन हैं इनके, आपके प्रदा कार्य हैं। आप समझते हैं भाई इनके 7 कार्य कौन कौन से होते हैं, आमंड राजनीति संरचना के कितने जो कार्य हैं, 7 कार्य हैं आप लिखेंगे। और पहला कार्य इनका कौन सा होता है आपका, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती पहला कार्य होता है राजनीतिक संरचना का। दूसरा कार्य आमंड महोदय बताते हैं राजनीतिक संरचना का कि हित अभिव्यक्ति, क्या हित की अभिव्यक्ति करता है। तीसरा कार्य क्या होता है करना इसका जो है राजनीतिक संरचना का कार्य ये होता है तीसरा कि जो है हित समूहन का कार्य होता है, किसका, हित समूहन का कार्य होता है। चौथा कार्य क्या होता है, राजनीतिक संचार करना। पांचवा कार्य कौन सा होता है, चौथा कार्य क्या बताया हमने, चौथा कार्य आपको हमने क्या बताया, राजनीतिक संचार। पांचवा कार्य कौन सा होगा आपका, नियम निर्णय करना। ठीक है, जो है नियम निर्णय क्या मतलब की करना जो है, ये भी कार्य क्या होता है, समाज संरचना का ही कार्य होता है। किसने बताया, आमंड ने बताया। वही बात की जाए आगे तो छठवां कार्य क्या होगा इसका, नियम और प्रयुक्ति, क्या नियम प्रयुक्ति जो होता है ये भी किसका कार्य होता है, राजनीतिक संरचना का ही कार्य होता है। और सातवां जो कार्य आमंड महोदय बताते हैं राजनीतिक संरचना का, वो कौन सा कार्य है, वो आपका कार्य होता है नियम अधिनिर्णय। ओके, तो ये 7 कार्य होते हैं जनरली किसके भाई, ये 7 कार्य होते हैं आपके जनरली जो है आमंड ने राजनीतिक संरचना के ये 7 कार्य बताए हैं और ये आपसे पूछा गया था। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक प्रश्न क्या है आपका कि आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं आपको बताया जाए, क्या बताया जाए, चलिए आप सुनिएगा बड़े ध्यान से और स्किप मत करिए वीडियो को। अगर आप ऑनलाइन ही देख रहे हो तो जान रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में बोरियत महसूस होती होगी आप लोगों को, लेकिन भैया बोरियत वोरियत ना महसूस करो, आसानी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ना पानी बरस रहा ना ओलावृष्टि हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस आराम से रजाई नीचे लेट करके। या तो खैर गर्मी आ गई है, पंखा चला लो आराम से, मेरे रूम में भी पंखा चल रहा है, आवाज़ में सर 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 आ रहा होगा, ठीक है, लग रहा है कि कोनो सियार रपटा जो है, सियार कोनो कुकुर दौड़ा लिया है, ठीक, कुकुर समझ रहे क्या होता है, कुत्ता, ठीक। चलिए तो आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या भैया मुन्ना देखें, तो आमंड वाला तो हमने बता दिया आपको, 7 कार्य बताए हैं राजनीतिक संरचना का। अब ये पूछ रहा है आधुनिक राज्य व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, आप क्या लिखेंगे, पहली विशेषता आप लिख सकते हैं क्या कि शांति की स्थापना करना, ये आधुनिक राज्य व्यवस्था का विशेषता होती है। आधुनिक राज्य व्यवस्था की पहली विशेषता क्या हो गई आपकी, पहली विशेषता हो गई भैया आधुनिक राज्य व्यवस्था की आपकी पहली विशेषता क्या हो गई, पहली राज्य व्यवस्था आपकी हो गई, मतलब कि पहली जो राज्य व्यवस्था की आधुनिक विशेषताएं हैं वो कौन सी हो गई, पहली विशेषता शांति की आराधना करना। दूसरी विशेषता क्या हो गई आपकी, विकास का मार्ग खोलना, क्या करना, विकास का मार्ग खोलना। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही मेरे भाई, चलिए मेरी बहनें, सभी जो हैं जो भी आपको समझना है सभी लोग बड़े आसानी समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले तीसरा जो है क्या कह रहा है, तीसरा आपका है सामाजिक परिवर्तन पर बल, आप क्या लिखेंगे, आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, पहली विशेषता शांति की स्थापना करना, दूसरी विशेषता विकास का मार्ग खोलना, तीसरी विशेषता क्या हो गई आपकी, लिख लीजिएगा बड़े ध्यान से, तीसरी विशेषता होगी आपकी सामाजिक परिवर्तन पर बल देना। सामाजिक परिवर्तन पर बल देना किसका कार्य है या किसकी विशेषता है, तो ये आधुनिक राज्य व्यवस्था की ही विशेषता है। तो आप चौथा तीसरा कार्य क्या बताएंगे, सामाजिक परिवर्तन पर बल, और चौथी विशेषता क्या बताएंगे आप, चौथी विशेषता आप बताएंगे शक्ति का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन करना, ये भी विशेषता आधुनिक राज्य व्यवस्था का ही होता है। वही पांचवी जो उसकी विशेषता होती है आधुनिक राज्य व्यवस्था की, वो कौन सी होती है, तो वो होती है शक्ति एवं वास्तविक जो परिस्थितियाँ होती हैं
तो उनका अध्ययन करना भी एक विशेषता कहलाती है, एक विशेषता है कि चूंकि आधुनिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति एवं वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, तो यह भी एक इसकी विशेषता ही है। छठवीं विशेषता लिखेंगे मानव व्यवहार का अध्ययन भी आधुनिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें नियम कायदे लागू किए जाते हैं। तो मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन इसकी एक विशेषता ही है। क्या? मानवीय व्यवहार का अध्ययन। छठवा, सतवा क्या लिखोगे मेरे भाई? सतवा आप लिखोगे तकनीकी रूपों पर बल देना। तकनीकी रूपों पर बल देना ये भी एक विशेषता है किसकी? आधुनिक राज्य व्यवस्था की। निश्चित तौर पर आप आसानी से हर एक मुद्दे को समझ गए होंगे और ये अगर आप लिख देंगे निश्चित तौर पर आपको जो है उच्च कोटि के अंक मिलेंगे और समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक। और एक व्यक्ति है, उनका नाम है जो है कापलान, और कापलान महोदय के व्यवस्था संबंधी इन्होंने 6 दृष्टिकोण बताए हैं। वो कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ लेता है कि कापलान का जो है जो 6 व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण है वो क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का सुझाव दिया है, अब उनको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कापलान महोदय के द्वारा। पहली विशेषता उन्होंने बताई, क्या बताई है? पहला जो है बताया, व्यवस्थाएँ कौन सी बताई हैं जो है किसके संबंधित, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित जो है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है कापलान ने। पहली है उसमें, पहला क्या है? शक्ति संतुलन व्यवस्था। दूसरा क्या है? पहला क्या लिखेंगे? शक्ति संतुलन व्यवस्था। दूसरा क्या लिखोगे भैया? दूसरा लिखेंगे आप शिथिलीय द्विध्रुवीय व्यवस्था। आपको बता दें, अगर आपको अभी लिखने का टाइम नहीं तो आप लोग अभी सुनते जाइए पूरा का पूरा वीडियो, और जब ये लाइव क्लास जो है एक प्रकार से ख़त्म होगी उसके बाद में यह लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पर, तब आप आसानी से इसको रोक रोक करके एक एक चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे, ओके। तो ये कापलान वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हमने रखा तो नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है कापलान महोदय ने बताया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए, दूसरी जो व्यवस्था बताई क्या बताई जो है शिथिलीय द्विध्रुवीय व्यवस्था। क्या? शिथिलीय द्विध्रुवीय व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था बताई कापलान महोदय ने, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। कैसी? कठोर, शिथिल माने होता थोड़ा सा कि मतलब कि अगर बदल भी सकते हैं उसको, कठोर थोड़ा द्विध्रुवीय व्यवस्था। कैसी? कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। चौथी कौन सी व्यवस्था बताई? सार्वभौम राज्य व्यवस्था की, जो कभी परिवर्तित ही ना हो, ठीक है। और पांचवी कौन सी होती? श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। कौन सी? श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। और छठवीं विशेषता, छठवीं व्यवस्था कौन सी हो गई कापलान के द्वारा? तो वो होती है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। कौन सी? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। ये बात आपके समझ में आ गई? निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होंगी बातें, ओके। अच्छा, और वहीं पर एक प्रश्न और बन सकता है एग्जाम्स में, प्रश्न बनता है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई है, तो व्यवहारवाद की विशेषताओं को भी सुन लीजिए। अगर ये सब बातें आपके माइंड में एक बार सुनी रहेंगी तो एग्जाम में आपकी मदद करेंगी, रिवीजन क्लास के तौर पर इस लेक्चर को आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक। तो व्यवहारवाद की बात की जाए तो डेविड ईस्टन महोदय हैं, वो व्यवहारवाद की जो है विशेषताओं को बताते हैं, कई सारी विशेषताएं बताते हैं। उनमें पहली विशेषता है व्यवहारवाद की जो है नियमितताएं होती हैं व्यवहारवाद में, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या? सत्यापन। तीसरी विशेषता कौन सी होती है? तकनीकी प्रयोग। चौथी विशेषता क्या होती है? परिमाणीकरण होता है व्यवहारवाद की विशेषता। क्या? परिमाणीकरण, ठीक है। और पांचवी विशेषता क्या लिख सकते हो आप? पांचवी विशेषता होती है मूल्य। छठवीं विशेषता क्या हो सकती है आपकी व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन के अनुसार? व्यवस्थापन। क्या? व्यवस्थापन। सातवीं विशेषता उन्होंने बताई कौन सी? विशुद्ध। और आठवीं विशेषता बताई कौन सी? समग्रता। ये 8 विशेषताएं बताई किसने? व्यवहारवाद की किसने? डेविड ईस्टन महोदय ने। समझ में आ गई होंगी बातें, निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताई। तो ये तो हमने बता दिया ना आपको आधुनिक राज्य व्यवस्था की। अच्छा, आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि संचार क्या है उसकी विशेषता बताइए। प्रश्न है कि संचार क्या है उसकी विशेषता बताइए। संचार की बात की जाए तो संचार जो होता है आप लिखेंगे कि संचार सूचनाओं एवं संदेशों का क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करता है। या ऐसे लिखेंगे कि संचार सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान करता है और इसीलिए इसकी कई सारी विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं निम्नवत हैं। आप क्या लिखेंगे उसमें? पहली विशेषता संचार की, संचार माने क्या होता है कि आपके बतिया हमारे तक पहुँच जाए, हमारा बतिया आप तक पहुँच जाए। अब जैसे यहाँ पढ़ाई थे तुम्हें, तो अब ये हमारे बात जो है या हमारे अंदर के जो मनोभाव है
वो मोबाइल के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं वहाँ से। अब भाई ना आप वहाँ पर सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, सुन रहे हो ना, तो अब वहाँ पर आप बैठ करके सुन रहे हो। अब यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ अपने रूम से, अब सोचो अब बीच में मेरी वॉइस क्या हो रही है, वह पूरे वायुमंडल में उड़ करके जा रही का, अब पता नहीं कैसे, अरे भगवान जाने कैसी जा रही, यहाँ जा रही सेटेलाइट पे, वहाँ टावर पे, इसे तमाम सारे प्रकार के टकराती है नेट के माध्यम से आप देखते हैं। तो कहा मतलब ये है कि एक व्यक्ति के मनोभाव का दूसरे व्यक्ति के मनोभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह रहा हो, डिस्टेंस काफ़ी हो, और किसी यंत्र के माध्यम से जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जब हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे ईमेल भेजना हो, चाहे व्हाट्सएप पर चैटिंग भेजनी हो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग की, तो वो सब ठीक, ये सब क्या होता है, ये सब संचार के माध्यम होते हैं, संचार के साधन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये सब हो गए, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है, फ़ोन वगैरह हो गए, ये सब संचार के साधन है। अब इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और सूचनाओं के आदान प्रदान की यही प्रक्रिया संचार कहलाती है। निश्चित तौर पर आप ऐसे समझा करके लिख सकते हो, कहो कोनो यार परेशानी नहीं, संचार तो सभी बच्चा जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। संचार समझ में आ गई, अब विशेषता सुनो भाई, पहली विशेषता इसकी संचार की क्या होती है कि संचार स्पष्ट होना चाहिए। अगर संचार स्पष्ट नहीं है, सूचना क्लियर नहीं है, निश्चित तौर पर बेकार हो जाएगा। सूचना मान लेते हैं, जैसे कि सूचना में आपका नाम है कोई दूसरा और वहाँ पर नमो को दूसरे लिख गया, मान लेते हैं आपका नाम शिवम है और शिवम नाम है, और वहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर आपने ऑनलाइन दस्तावेज सबमिट किया, अब हो जाए कुछ ऐसा कि वहाँ पर शिवम के स्थान पर एक बड़ी की मात्रा लास्ट में लग जाए, तो क्या हो जाएगा, शिवमी हो जाएगा, या फिर मान लेते हैं वहाँ पर माँ के स्थान पर ना हो जाए और बड़ी मात्रा लग जाए, शिवानी हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कितनी जल्दी लिंग परिवर्तन हो जा रहा है, जेंडर परिवर्तन हो जा रहा है बस एक मात्रा की वजह से। तो आप सोच सकते हो कि संचार अगर सही नहीं है तो क्या से क्या हो सकता है, ठीक। और ये घटना मेरे साथ ही जो है घटी है लगभग में, तो चलिए जब मैं पढ़ रहा था तो उसी में, ठीक है चलिए हालांकि आगे बढ़ते हैं। बहरहाल यहाँ पर देखेंगे संचार की विशेषता, पहली विशेषता क्या होती है, संचार स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए, संदेश की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, ठीक। तीसरी विशेषता इसकी होनी चाहिए क्या, संचार संदेशों की एक श्रृंखला होनी चाहिए कि एक के बाद एक चले। और चौथी बात ये होती है कि द्विमार्गीय संचार श्रेष्ठ होता है, कैसे द्विमार्गीय, मतलब कि एक मार्गीय नहीं द्विमार्गीय संदेश, मतलब कि दो स्थानों से आप मतलब कि दो माध्यमों से भेजने का प्रयास। पांचवी क्या होती है, संचार समय में होना चाहिए, मतलब कि समय से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समय से ना हो आपका संचार। ये तमाम सारी विशेषताएं होती हैं संचार की जो कि हमने आपको बता दी। पाँचवा प्रश्न आपके समक्ष है, दक्षेश या सार्क की भूमिका बताइए। दक्षेश या सार्क क्या होते हैं भाई, ये देशों के संगठन होते हैं। सार्क की बात की जाए या दक्षेश की बात की जाए, एक ही बात है, ठीक। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है क्या दक्षेश जो होता है आपका, इसी को सार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारी विशेषताएं हैं सार्क की, तो उसको आप सुन लीजिएगा। लिखेंगे कि सार्क की भूमिका जो है निम्न क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, फिर देखी जा सकती है। और यही पूछी जा रही है कि भूमिका बताइए, तो भूमिका किस में है, पहली भूमिका में लिखेंगे कि आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता, ये दक्षेश की ही भूमिका है। दूसरी क्या होती है, इसकी भूमिका में जो है दक्षेश की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि आर्थिक सहयोग पर बल दिया जा सके। दूसरी इसकी जो है भूमिका, अब चाहे विशेषता पूछे, भूमिका पूछे, कार्य पूछे, सब में अगर यही बातें लिख देंगे निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा, ठीक। तीसरी विशेषता है, तीसरी जो भूमिका इसकी कौन सी लिख सकते हैं, गरीबी का उन्मूलन करना, ये इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो भी बता सकते हो, गरीबी उन्मूलन। चौथा इसका क्या होता है भाई, चौथा भूमिका में लिखेंगे कि कृषि क्षेत्र का विकास करना, ये भी इसका कार्य उद्देश्य या फिर प्रतिपाद्य विषय बोल सकते हैं। पाँचवा क्या होता है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका, ठीक ये। और छठवीं व्यवस्था इसकी होती, छठवीं जो भूमिका होती क्या होती, बच्चों के कल्याण पर बल देना। सातवीं इसकी जो है भूमिका क्या होती है, डाक तारवा यातायात की सुविधा। और आठवां इसका क्या होता है भाई, आठवां स्वास्थ्य सेवाओं का विकास पर बल देना, ये भूमिका होती है दक्षेश की, ठीक। समाज में क्या रोल, भूमिका माने क्या होता है रोल, अर्थात दक्षेश का क्या रोल है, क्या कार्य करता है, या समाज के प्रति इसका क्या उत्तरदायित्व तो बनता है, देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व तो है, तो वही होता है।
और किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व अगर आपको निकालना है तो उसकी कार्यशैली से आप लगा सकते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति कौन कार्य करता है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ कौन से पोस्ट पर है। तो पोस्ट पर किस है वो तो स्तरीकरण हो गया, किस स्तर पर है, लेकिन बात की जाए तो वो क्या कर रहे हैं तो ये भूमिका होती है उसकी, मतलब कि वही रोल होता है कि किस किरदार में है। ऐसे मूवी में काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कोनो हीरो का किरदार निभाता तो उसी किरदार को, हीरो की भूमिका ये होती है। तो वही पूछ रहा है कि दक्षेश की या सार की क्या भूमिका होती, तो वही भूमिका आपने बताइए। नवी भूमिका क्या लिख सकते हैं आप, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास करना, इसकी भी भूमिका है। एक बार फिर से सुनिए, दक्षेश या सार की क्या क्या भूमिका है। पहली भूमिका आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता, दूसरी जो है भूमिका आर्थिक सहयोग पर बल, तीसरा गरीबी उन्मूलन, चौथा कृषि क्षेत्र का विकास, पाँचवा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, छठवां बच्चों के कल्याण पर बल, सातवां डाक तार व यातायात की सुविधा, आठवां स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, नौवां विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास। समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बताइए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या होती भाई, संयुक्त राष्ट्र क्या है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वगैरह बताएं कहाँ पर स्थित है, फटाफट से आप सभी लोग बताओ, तब तक मैं इसका जो है व्याख्या करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो भी पता हो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, बातचीत ना करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में क्या लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, कार्य, उद्देश्य, ये सब एक ही बात आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो पहली भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, पहली भूमिका है कि विदेशी सेनाओं को हटाना। दूसरी व्यवस्था क्या होती है इसकी, दूसरी भूमिका क्या है, बर्लिन की समस्या। तीसरी भूमिका क्या है, फिलिस्तीन की समस्या। चौथी भूमिका इसकी क्या लिखेंगे, कोरिया संकट का समाधान। पांचवी विशेषता कश्मीर की समस्या। छठवीं विशेषता स्वेज नहर विवाद। सातवीं इसकी जो है कांगो की समस्या। बात की जाए आठवीं की तो साइप्रस की समस्या। नवीं भूमिका की बात की जाए तो अरब इसराइल संघर्ष। इन सभी का निपटारा जो होता संयुक्त राष्ट्र ही करता है, इसीलिए इसकी भूमिका के अंतर्गत इसको आप लिख सकते हैं। और आप आगे लिख सकते हो भाई, दसवां क्या लिख सकते हो, दसवां आप लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो समस्या होती है वो भी इसी की भूमिका होती है। ठीक, ग्यारहवां में क्या लिखेंगे आप, क्यूबा संकट का समाधान करना हो तो भी इसी की भूमिका उसमें थी। बारहवां क्या है भाई, ईरान इराक का युद्ध जो है उसमें भी। और तेरहवां आप क्या लिख सकते हो, जो है खाड़ी संकट का समाधान। ये तमाम सारे जो है चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये भूमिका ही थी। फिर से एक बार सुनिएगा, भूमिका क्या क्या, संयुक्त राष्ट्र की संघ की भूमिका क्या है। पहली भूमिका आप लिखेंगे विदेशी सेनाओं को हटाना, दूसरा बर्लिन की समस्या, तीसरा फिलिस्तीन की समस्या, चौथा कोरिया संकट का समाधान, पाँचवा कश्मीर की समस्या, छठवा स्वेज नहर विवाद, सातवा कांगो की समस्या, आठवा साइप्रस की समस्या, नौवा अरब इसराइल संघर्ष, दसवा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या, ग्यारहवा क्यूबा संकट का समाधान, बारहवा ईरान इराक युद्ध, और तेरहवा खाड़ी संकट का समाधान। ये समझ में आ गई बातें आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सातवां नंबर प्रश्न है कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर प्रकार डालिए। व्यापक परमाणु जो है परीक्षण निषेध संधि, उसको शॉर्ट फॉर्म में CTBT के नाम से जाना आता है। और बात की है CTBT की, तो जो है बात की है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की, तो ये विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण जो है उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। निषेध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है, जिसका बात की है तो प्रस्ताव क्या है, तो इसका प्रस्ताव है कि अमेरिका और भारत सहित कुछ अन्य देशों ने 1993 ईस्वी में जो है इसको किया था, और 1995 ईस्वी में भारत ने इस संधि का जो है प्रस्तावक बनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। और क्योंकि क्यों कर दिया, क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण थी। और क्यों भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सहित अधिकांश देशों ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। संधि को प्रभावी होने के लिए उन 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि होनी होती है जिसके पास परमाणु शस्त्र या परमाणु सामग्री है। भारत का कहना है कि परमाणु संपन्न राज्य परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही। तो जो CTBT मतलब कि व्यापक परमाणु परीक्षण, आप ज़्यादा परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, इसको ही कहा जाता है CTBT की, आप परमाणु परीक्षण अपने यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कोई काम लगेगा तो बताना। तो हमें मतलब कि वैसे ये
मतलब प्रमाण परीक्षण आप नहीं कर सकते हो, CTBT। अब वही देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने करवा दिया था ना, जो है कर दिया था बाद में, तो इसी संधि को जब उसने, मतलब कि आपने जो है पोखरण वाला देखा होगा मूवी, क्या है जो है जॉन अब्राहम वाली, तो उसमें देखें, उस मूवी को देखिएगा, उसमें कैसे होता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो CTBT संधि से इनकार कर दिया था अटल बिहारी जी थे शायद, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधि माने होता है कानून, अंतर्राष्ट्रीय माने होता है इंटरनेशनल, परिभाषा माने डेफिनेशन। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो भाई, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात की जाए तो एक व्यक्ति है ओपेन होम, और ओपेन होम की बात की जाए तो ओपेन होम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, बड़े सरल शब्दों में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और क्या परिभाषा है आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा इसको। परिभाषा है कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन आदि जन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा आपकी ओपेन होम की है। हालांकि चलिए ये परिभाषा अगर याद नहीं हो रही कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक व्यक्ति और हैं JL ब्रायली महोदय, तो JL ब्राई जो है ब्राई रली महोदय देख के अनुसार अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा, अभी हम इसके लक्षण को भी बताएंगे, स्रोत बताएंगे, तो आपको बातें समझ में आएंगी और आपके समझ में भी आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि होती क्या है। ओके, एक मिनट जल ग्रहण कर ले फिर आपकी कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, तो कहाँ पहुँचे थे अब, अंतर्राष्ट्रीय विधि ना, चलो अब समझो अंतर्राष्ट्रीय विधि बड़े अच्छे से। JL ब्रायली महोदय की परिभाषा समझो और उसके बाद में अभी मैं भी एक बार फिर से ओपन होम की समझा दूंगा आपको। तो JL ब्रायली महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि, दोनों को एक में समेटने का प्रयास इन्होंने किया। और क्या कहा, कहा कि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले जो विद्वान, मतलब कि जो सिद्धांत है उनका समूह है। क्या राष्ट्रों की जो विधि है या जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है ये क्या है, उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। यही होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय नियम, किसका, ऐसे नियम, ऐसे कार्य रूप का समूह या फिर ऐसे कार्यरूपों का सिद्धांत जो होता है उसका समूह होता है अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो कि क्या करता है, सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं अर्थात नियम लगाते हैं, तो वही अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि पहला स्रोत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। दूसरा क्या होता है, अभिसमय माने होता है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय राज्य मतलब राजनीति में या समय के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो अभिसमय जो होता है, जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुना जाता है तो वो कानून बन जाता है। या माहिष्मती अम्मा, बाहुबली की अम्मा को देखेंगे तो बाहुबली की जो माता जी हैं वो माता जी आप देखेंगे क्या बोलती हैं, क्या नाम है उनका, शिवगामी देवी। शिवगामी देवी कहती हैं कि क्या कहती हैं, कोई बात होती है तो कहती है कि हाँ मेरी जो है मेरी बात ही है शासन, कहती नहीं ऐसे कि शासन शासन मेरी जुबान ही शासन है, ऐसे बोलती है। तो जुबान ही शासन है, यही होता है अभी समय, समय के हिसाब से मुख से बोली गई जो बातें होती हैं, प्रचलित में जो नियम कायदे होते हैं जो कि वह जो है जनरली प्रयोग में लाए जाते हैं वही कानून बन जाते हैं। तो ऐसे जैसे कि अभी समयों पर आधारित इंग्लैंड का आपका कानून है, आपने पढ़ा होगा BA सेकंड ईयर में ब्रिटेन का संविधान, और ब्रिटेन के संविधान की अगर बात की जाती है तो अभी समयों पर आधारित है, ये आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक, तो ये होता है आपका अभी समय। तो अंतर्राष्ट्रीय अभी समय से जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि बनती है। दूसरा क्या,
अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ बनाई जाती हैं। तीसरे किससे बनती है, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत जो विधि होती है उसके जो सामान्य नियम होते हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि भी बनाई जाती है, तो ये भी स्रोत हो सकता है। और चौथा स्रोत हो सकता है आपका न्यायाधिकरण जो है या फिर जो न्यायालय हैं उनके जो निर्णय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वहाँ का पूरे पूरे संसार का या फिर किसी भी देश का, तो वो क्या होता है, अभिलेखीय होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोनो केस हुआ है, आप किसी व्यक्ति को चार जो है झापड़ मारे मान लेते हैं, चार जो है झापड़ उसको तड़ाक तड़ाक मारे गाल पे, गाल उसका लाल हो गया, उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थाने में और आप जो है हाई कोर्ट मान लेते हैं आपको जाना पड़ा, बड़ी की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। अब वहाँ पर जाएंगे मान लेते हैं चार थप्पड़ के लिए, अब ऐसा तो संविधान में लिखा नहीं कि अगर किसी को आप चार थप्पड़ मारोगे तो आपको जो है 10 दिन की सजा होगी 20 दिन की सजा होगी, ऐसा तो लिखा नहीं है। मारने के लिए चाहे औसत मारो चाहे 10 मारो चाहे 20 मारो उसके लिए सजा दी गई है। अब मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जाते हो या सुप्रीम कोर्ट जाते हो अब इसी के लिए, अब हालांकि इसे इतने छोटे केस को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं देखेगा, ये जो है कभी नहीं देखेगा, संभव वाली बात है, लेकिन मैं एक समझाने के तौर पर आपको बोल रहा हूँ। तो आप केस गया मान लेते हैं तो होगा क्या कि वहाँ पर मान लेते हैं न्यायालय के द्वारा फैसला आया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अब वो नहीं कहेंगे अगर कोई व्यक्ति, अब कहेंगे चूँकि तुमने जो है चार झापड़ मारा है इस बंदे को, इसीलिए तुम्हारे ऊपर जो है क्या किया जाता है भाई, तुमको 4 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। अब 4 महीने की सज़ा हो गई, अब मान लेते हैं फिर कोनो बात हो, अब ये बतिया जो होती है ना जो जजवे सुनाते हैं जो है फैसलवा, अब वकीलवे जो होते हैं जो वकील लोग होते हैं वो फटाफट जो है अपना कापी पे लेकर के उसमें फाइल वगैरह में लिख करके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं उसका जो वहाँ पर बोलता है जज, ठीक, अब उसको लिखे हैं कि हाँ चार झापड़ पड़ा है तो 4 महीने की सजा हुई थी। अब मान लेते कोनो दूसरा केस आया और कोनो वकील है और उसके मुवक्किल को 4 झापड़ पड़ा है लेकिन वो खुला घूम रहा है जो जिसने मारा है, तो केस अगर उसने दर्ज किया उसके अंदर जो है मामला जाते न्यायालय में चल रहा है। अब मामला जब न्यायालय में चलेगा तो होगा क्या भैया, होगा यही कि अब वकील जो होगा ये पक्ष क्या रखेगा, जिस जो मारा गया है बेचारा उसके पक्ष वाला वकील रखेगा कि भैया जज से कहेगा कि यूरानर जो पहले वाला, इससे पहले जो केसवा हुआ था फलानवा वाला, उस फलाने वाले में आपने 4 झापड़ के लिए 4 महीने की सजा सुनाई थी, तो क्या अगर मान लेते दुइये झपड़वा मारा तो 2 महीने की सजा तो होनी चाहिए ना, ऐसी विधि बताएगा कि आपने उस न्याय मतलब उस समय में फलाने केस में ऐसा नियम सुनाया था इसके लिए इस दंड के लिए, तो इसके लिए भी यही होना चाहिए। ये अब जब वकील ऐसा बताता है तो जज को मजबूरन ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, जज को याद हो या ना याद हो कि उसने कौन सा फैसला कब सुनाया, लेकिन वकीलों को ज़्यादा याद होता है, इसीलिए बड़े बड़े जज भी वकीलों से डरते हैं कभी कभी। आप देखे होंगे कि जॉली एल एल बी देखिए, वकील वकालत देखनी उसमें तो देखिएगा वकालत कैसे होती किस तरीके से, तो ये समझ में आ गई बातें। तब यही होता है न्यायाधीशों का निर्णय जो होते हैं वो भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाते हैं। वही पांचवा आप लिखेंगे कि न्यायाधीशों तथा जो है भाष्यकारों की जो रचनाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पे जो है क्या बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत बन जाते हैं। और छठवा, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों का निर्णय करता कैसे क्या था उसके हिसाब से। ओके, समझ में आ गई आपकी बातें। चलिए, तो इतनी ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां नंबर प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष की स्थापना या गुटनिरपेक्षता की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही भाई, गुटनिरपेक्षता की बात की जाए तो किसकी भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण रही गुटनिरपेक्षता में, तो गुटनिरपेक्षता की बात की जाए तो गुटनिरपेक्षता में मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुई है, गुटनिरपेक्षता की बात की जाए तो गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष की स्थापना दोनों महाशक्तियों जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ से समान दूरी बनाए रखने वाले जो लोग थे, अर्थात जब पूरा का पूरा समूचा विश्व जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक नई दुनिया और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो एक अमेरिका के तरफ थे कुछ देश ऐसे थे और कुछ ऐसे देश थे कि कुछ रूस की तरफ थे, ये दोनों महाशक्तियाँ थीं। अब उस समय क्या हुआ कि भारत भी नया नया आज़ाद हुआ, अब भारत जब नया नया आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने क्या किया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ना भैया हम तुम्हार मानेंगे रूस की और ना ही हम अमेरिका मानेंगे, हम कोनों तरफ नहीं रहेंगे। तो अब क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अपना एक जो है क्या बनाया,
अपना एक समूह बनाया, एक गुट बनाया और इसी गुट को क्या नाम दिया, इसी गुट को मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या कहा, गुट निरपेक्ष कहा, अर्थात हम किसी गुट में समर्थन नहीं करेंगे। मतलब कि ना तो हम जो है अमेरिका वाले गुट में समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, और ना ही हम रूस का सहयोग करेंगे। हम अपने में गुट निरपेक्ष, निरपेक्ष माने होता है कि जिसका कोई गुट ही ना हो, ठीक, तो हमारा कोई गुट नहीं होगा, ओके। इसकी स्थापना की बात की है तो तीन नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की बात की है तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके पक्ष में जो है सबसे पहली बात करी। उसके बाद एक मिस्र के कर्नल थे नासिर, उन्होंने, और एक व्यक्ति और थे यूगोस्लाविया के हैं वो मार्शल टीटो, तो मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से, और मिस्र के थे कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, गुट निरपेक्षता की स्थापना करी, और इसमें बहुत सारे देश जो है फिर जुड़ने लगे धीरे धीरे करके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन तीनों के द्वारा जो है ये नीति जो है अपनाई गई, और स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या की बात की जाए तो जब इन्होंने स्थापना करी थी गुट निरपेक्ष की तो इसमें कुल मिलाकर के 25 सदस्य थे, मतलब 25 देशों के सदस्य थे। अब बात की जाए इस समय की तो गुट निरपेक्षता में आज बात की जाए तो 119 देश जो है भाग ले चुके हैं, तो 119 जो है अब संख्या हो चुकी है, ठीक। तो क्लियर हुई गुट निरपेक्षता के बारे में, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब कभी कभी आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि तनाव शिथिलता की जो है प्रमुख घटनाएं बताइए, तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हो सकती है, सुनिएगा। तो तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं जैसे कि पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1963 में, ठीक है, और उसके बाद में हार्ट लाइन समझौता 1963 का, इनमें शिथिलता आई थोड़ी सी तनाव में, तो ये चीज़ होती है। तीसरी क्या है, परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि 1969, ये घटनाएं जो है, मास्को बोन समझौता ये भी 1970 का ही है, और इस ये भी तनाव शिथिलता का एक प्रमुख घटना है। और पांचवी कौन सी घटना, बर्लिन समझौता भी तनाव शिथिलता का ही परिणाम है, और ये घटना है 1971 की। 1972 ईस्वी की बात की जाए तो उसमें दो जर्मन राज्यों के मध्य समझौता, ये भी तनाव शिथिलता की ही घटना है। वही बात की है 1972 में जो है तीन चार और हुए हैं, तीन लगभग, एक कोरिया समझौता और एक मास्को शिखर वार्ता और एक सामरिक शस्त्र परिसीमा समझौता, 1972 के ही हैं जो कि तनाव शिथिलता की प्रमुख जो है घटनाएं हैं। और उसके बाद में और तमाम सारे जैसे कि अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष से मिलन, या फिर ब्लादी बोस्तक शिखर सम्मेलन हुआ, या यूरोपीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, तो ये सब चीज़ें, ओके। तो क्लियर होगी बातें, निश्चित तौर पर अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता ले जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई, और भी समझने का प्रयास करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, शीत युद्ध के प्रमुख साधन बताइए। शीत युद्ध के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, पहली चीज़ शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध की बात की है तो शीत युद्ध समझ रहे हैं ना, उसमें सोवियत संघ और अमेरिका के विरुद्ध जो है क्या हो रहा था, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ा जा रहा था अमेरिका और रूस की तरफ से, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब इसका जो साधन कौन कौन से थे, पहला साधन ये था कि प्रचार, प्रचार किया जा रहा था इसका, तो प्रचार के माध्यम से शीत युद्ध हो रहा था। दूसरा, शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था कि अमेरिका अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, रूस अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, रूस अपना प्रचार प्रसार कर रहा था, अमेरिका अपना प्रसार प्रचार कर रहा था। ये सब साधन थे जो कि शीत युद्ध के साधनों में शामिल होते हैं। वहीं तीसरे साधन में आप क्या लिख सकते हो, कमजोर राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, अमेरिका भी तुरंत प्रदान करता था, रूस भी तुरंत, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या कर लें, वहाँ पर कोई बंदरगाह पा जाए या फिर कुछ उसे यहीं पर कोई अड्डा पा जाए, सैन्य बल वहीं पर स्थापित कर दे अपना, जिस भी देश का मदद करेगी। आप देखेंगे श्रीलंका वगैरह में, पाकिस्तान में, या भारत में, ये तब भारत की नहीं बात की है, और अलग अलग स्थानों पर नेपाल में भी, तो ये अलग अलग, चूँकि अमेरिका रूस को घेरने का प्रयास कर रहा था और रूस जो है अमेरिका को घेरने का प्रयास कर रहा था, तो उसके जो पड़ोसी देश थे, रूस वाले पड़ोसी देश को अमेरिका मदद कर रहा था और अमेरिका के पड़ोसी देश को रूस मदद कर रहा था, ताकि वहाँ पर बैठ सके और वहाँ पर अपनी पकड़ बना सके। क्योंकि कभी भी अगर किसी को हराना तो उसके घर में घुसो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, जिस दिन आप उसके घर में घुस गए उसी दिन जान समझिए कि वो हार गया आपसे, ठीक। घर में घुसने का मतलब वो नहीं है, मतलब फूट डालो राज करो, कहते नहीं अंग्रेजों ने क्या क्या फूट डालो राज करो, आप देखिए छोटी सी टुकड़ी आई थी लेकिन पूरे के पूरे समूचे भारत पर बड़े बड़े योद्धा भारत के जन्मभूमि पर जन्मे और वो सब मटिया मेट हो गए अंग्रेजों में, देखिए अंग्रेजों ने सब पर सदन करा। देखिए अब अगर यही लोग एक साथ होते तो रपटा रपटा करके मारते अंग्रेजों को, लेकिन हुआ क्या भाई, नहीं मार सके ना, वो काहे के लिए नहीं मार सके, क्योंकि कुटुमत थी, तो इसीलिए कहा जाता जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नहाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना,
भैया अगर सुमति है, एकता है, तो एकता ही बल है। बाकी अगर सोचो कि नहीं हम डंडी घस अकेले निकलेंगे, तो फिर जाओ मरो। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, तो मुर्दे रहोगे, कभी जीवन में सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई सारे चने मिलेंगे तभी भाड़ फूटेगा। आप चाहे इतने पहलवान हो, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो चना, या चाहे वो सफ़ेद वाला चना क्यों ना हो, तो उससे नहीं मतलब है। चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो अकेला कुछ नहीं हो सकता। आप अगर जो है अपने सगे संबंधियों को, अपने आस पड़ोस के चीज़ों को बांध रखते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एक मोटी लकड़ी अकेली है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 लकड़ियों को पतली पतली को अगर इकट्ठा करके गट्ठर बना दिया जाए, उसको तोड़ने को दिया जाए, तो आप नहीं तोड़ पाओगे। तो ये होता है एकता में बल। ठीक, समझ में आ गई बातें। तो शीत युद्ध के यही कारण थे, कमजोर राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करके भेद करते थे, और इसमें बाद में ये अड्डा सैनड्डा बनाते थे, वहीं से जो है धीरे धीरे करके उसके तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते थे। चौथी चीज़ क्या थी भाई? जासूसी। जासूसी मतलब कि जासूस बना करके, आपने मूवी तमाम देखी होगी एजेंट वगैरह की, ड्रा वाली, तो इसी प्रकार से क्या होता है, एजेंट वगैरह बना करके जो है भेजे जाते थे कि हाँ कि वहाँ का पता लगाओ क्या क्या चीज़ें हो रही, कैसे हो रही। पाँचवा क्या होता है आपका? कूटनीति। कूटनीति भी बात की जाए, जिसको स्ट्रैटेजी कहा जाता है, तो कूटनीति भी एक प्रकार से बात की है, रणनीति या कूटनीति ही होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी युद्ध के लिए, और जाहिर सी बात है कूटनीति हर एक युद्ध के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और इसीलिए शीत युद्ध में भी कूटनीतिक चालें चली गई बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये तमाम सारे साधन थे जिनके माध्यम से शीत युद्ध लड़े जा रहे थे। ठीक, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा और रूस के द्वारा। हालांकि रूस और अमेरिका आमने सामने नहीं आए, लेकिन दोनों अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे देशों को लड़वा करके, जैसे कि मान लेते कोनो दूसरा देश है, इस समय देखेंगे यूक्रेन का रूस का विवाद हो रहा है अब, लेकिन अमेरिका खुल करके सामने नहीं आएगा रूस के, लेकिन धीरे धीरे मदद जो है यूक्रेन का कर रहा है अमेरिका उधर से। और जानते हैं ये जो हथियार वथियरवा सब होता है ना सप्लाई करने का, सब अमेरिका करता है अधिकतर जगह पर। अमेरिका, रूस, यही सब बड़े बड़े जो देश हैं, यही सब जो है सप्लाई करते हैं हथियार वगैरह का, और फिर वहीं पर झगड़ा होता है, उसको शांत करवाएंगे वहीं पर, तो मतलब कि तुम्हारे देश में आकर के खुदे बैठेंगे, अपना समझेंगे देश इस प्रकार से। अब देखिए मतलब दबदबा कायम करेंगे कि जो कुछ है हम ही हैं, हम जब चाहेंगे तब सब होगा, ऐसा ये सब बना रखे हैं। ठीक, ये सिस्टम है। तो समझ में आ गई बातें, आगे समझते। अच्छा, अब चलिए हालांकि आगे समझते हैं। तो 10 प्रश्न ये हो गए आपके, समझ में आ गई होंगी सारी बातें आपके, आगे समझते हैं मुन्नमा। आगे देखो भाई सभी लोग फटाफट से सभी प्रश्न। तो भाई सभी प्रश्न यहाँ पर क्या हैं? सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, और खंड बात की जाए खंड बा की, तो खंड बा में आपके लघुतरी टाइप के प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं, 200 शब्दों में इनको लिखना होगा, बड़ी आसानी से हम समझेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, दूसरा प्रश्न क्या है? शिमला समझौता पर एक लघु निबंध लिखिए। लघु माने छोटा सा, जो कि 200 शब्दों में हो, यही आपको निबंध लिखना। किस पर? शिमला समझौता पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। ठीक, इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ें, नहीं तो जो है आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे, सारी बातों को जो हमने बताया इनको सुन लेंगे, निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, और आप आसानी से हर एक मुद्दे को समझने में जो है आपको सहायता प्रदान होगी, और निश्चित तौर पर, और यही होता है एक प्रकार से बात की जाए जो है एक टीचर का कार्य और एक स्टूडेंट का कार्य ये होता है कि वो समझ सके और मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, समझ में तो आई होगी बातें कुछ ना कुछ। समझ में आई तो एक बार थम्स अप का बटन दिखाओ भाई, लाइक करो सभी लोग, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, सभी दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक, चलिए प्रश्न आपका कहा है शिमला समझौता। शिमला समझौता के बारे में बात की जाए तो युद्ध विराम के बाद में क्या हुआ? शांति स्थापना, जो युद्ध हुआ था आपका, उसका वो विराम हुआ, उसके बाद में जो है शांति स्थापना का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी तय की गई, और समझौते के अनुसार बात की जाए तो समझौते के अनुसार क्या हुआ कि 16 जून से लेकर के 3 जुलाई तक जो है चर्चा होकर के ये शर्तें रखी गई, और ये शर्तें कौन सी थी अब उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार ये समझौता क्या है और इन समझौतों में क्या क्या जो है चीज़ें रखी गई। हालाँकि ये बात की जाए समझौता किन किन जो है देशों के बीच में था, तो ये समझौता आपका लगभग और लगभग बात की जाए भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच का ये समझौता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो आइए हम देखते हैं भाई कि आखिरकार शिमला समझौता में क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहली बात आप क्या लिखोगे कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई भाई, दूसरी बात ये थी इसमें क्या कि आपसी विवादों के समाधान हेतु द्विपक्षीय वार्ता का तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और तीसरी बात क्या रखी गई शिमला समझौते में दूसरी बात क्या रखी गई भाई, तीसरी बात क्या रखी गई इसमें कि दोनों देश एशिया के उस महाद्वीप मतलब कि एशिया के इस उपमहाद्वीप में शांति बनाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वही चौथी बात इसमें कही गई कि समय समय पर दोनों देश के नेताओं के मध्य में मैत्री की वार्ताएं होती रहेंगी। और पांचवी इसकी समझौते में बात कही क्या, दोनों देश जो है अपनी अपनी सेनाएँ जो होंगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तक वापस मतलब कि सीमा रेखा तक वापस लौटा देंगे। और उसके बाद में छठवीं बात की जाए तो दोनों पड़ोसी राज्य आपस में व्यापार संचार सेवा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये तमाम सारी चीज़ें अपनाई गई। और ये बात किया तो ये आप समझ, हमने बोल दिया क्या बांग्लादेश शायद बना था उस समय और ये तब समझौता आपका हुआ था शायद शिमला समझौता, ये मतलब कि पाकिस्तान के बीच में हुआ था उस समय, पाकिस्तान और भारत के बीच का समझौता है, हमने बांग्लादेश बोल दिया होगा शायद आपकी समझ, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो क्या भाई शिमला समझौता आपको समझ में आ गई बातें। तो पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था जो 71 की बात है, पाकिस्तान से भारत से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ उसी समय की बात है। ठीक, ये जो है उसमें क्या हुआ कि अब दोनों देशों के आंतरिक मामलों में तमाम सारी चीज़ें हो गई और ये समझौता किया गया कि दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना हेतु ये समझौता किया गया ताकि उन दोनों के बीच में क्या ना हो, घृणा ना फैले, परंतु इससे संबंध असंतुष्ट गुट ने आलोचनात्मक रवैया ही अपनाया। पाकिस्तान में भुट्टो का क्या हुआ, बहुत ही आशाजनक रूप से पतन हुआ और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। जनरल जियाउल हक ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का जो है आश्वासन दोहराया भी। ये शिमला समझौता था, एक बार अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग गूगल करेंगे, आपको शिमला समझौता के बारे में पता चलेगा। 2 जुलाई शायद 1972 ईस्वी की बात है, ये समझौता उसी दिन हुआ था। तो ये आप समझौता अगर आपको पढ़ना है तो आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर आपको मिल जाएगा, हालाँकि हमने आपको बता ही दिया। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय यूनियन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय यूनियन पर प्रकाश डालिए। तो पिछले बात की आप लिखेंगे क्या कि पिछले 2 शताब्दियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बात की जाए तो बड़ा दबदबा रहा है और दूसरे विश्वयुद्ध ने इसे और मजबूत कर दिया। और जब द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ तो इससे क्या हुआ कि यूरोप जो है वो 2 वर्गों में बट गया, एक विजेता वर्ग और दूसरा कौन सा था, पराजित वर्ग था। और यूरोप के पराजित राज्यों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा और पराजित राज्यों की दशा को सुधारने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेमेन थे उस समय, और ट्रेमेन ने आर्थिक मदद देने की घोषणा करी और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने उठाया। और उन्होंने क्या किया, जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने आश्वासन दिया अपने प्रसिद्ध भाषण में, यूरोप के जो है आर्थिक पुनर्निर्माण का स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसे मार्शल योजना का नाम दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 1952 ईस्वी के मध्य लगभग 16 देशों की बात की है तो 16 देशों को $20 अरब की सहायता लगभग दी। निश्चय ही मार्शल योजना ने क्या किया मेरे भाई, यूरोपीय राज्यों को अधिक सहायता देकर के बहुत प्रोत्साहित किया। मार्शल योजना ने क्या किया, उसके कार्यान्वयन के कारण से, उसके जो है संचालन हो जाने के कारण से क्या हुआ, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र का सहयोग भी प्रारंभ हो गया और ये आगे बढ़ा दिन प्रतिदिन। तो ये क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय यूनियन का प्रकाश आप ऐसे डाल सकते हैं। इसके कई उद्देश्य थे यूरोपीय यूनियन के, कौन कौन से उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था कि यूरोपीय राज्यों को विभाजित करने वाले विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करना। दूसरा क्या था उद्देश्य इसका, यूरोप की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित किया जाए और आर्थिक शक्ति सांस्कृतिक परंपरा इनके अनुकूल भूमिका का निर्वहन किया जाए।
और तीसरी इसका उद्देश्य ये था कि संयुक्त कार्रवाई द्वारा यूरोपीय जनता की कार्रवाई तथा जीवन यापन के स्तर में सुधार किया जाए। चौथा इसका कार्य ये था कि जो है उद्देश्य ये था कि यूरोप को छोटे छोटे बाजारों में बांटने वाले जो है व्यवधानों का अंत किया जाए। वहीं पांचवा इसका उद्देश्य ये था कि बड़े पैमाने पर लाभप्रद औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए। और भविष्य में यूरोप के यूरोपीय यूनियन की बात की जाए तो मतलब कि भविष्य में यूरोप के जितने भी जो है सभी राष्ट्र हैं उनका एकीकरण किया जाए, तो ये तमाम सारे प्रयत्न किया जाए। तो ये चीज़ मतलब बताई गई, समझ में आ गई बातें। तो बात की है यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन यूरोप के दो मतलब कि यूरोप के देशों का क्या है, एक संगठन है। और इस संगठन में बात की जाए तो शुरुआत में जब ये संगठन प्रारंभ हुआ था तो इसमें 15 देश थे। कितने देश थे भाई? 15 देश थे। लेकिन साम्यवाद के पतन के बाद में क्या हुआ, यूरोप महाद्वीप में स्थित जो देश हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे, इसी संगठन में शामिल होने लगे। और प्रारंभ में बात की जाए तो क्या हुआ भाई, प्रारंभ में क्या हुआ जो है यूरोपीय यूनियन गैर साम्यवादी देशों का संगठन था। और इस समय की बात की जाए तो इस संगठन में 28 देश जो है शामिल हैं। क्रोएशिया जो है इसमें लास्ट जुड़ा है, जो कि कब जुड़ा है, 28वां देश इसका बना है लास्ट में सबसे, क्रोएशिया, जो कि 1 जुलाई का दिन था उस समय, और 2013 में क्रोएशिया जो है ये 28वां जो है देश बना है यूरोपीय यूनियन का। तो ये यूरोपीय यूनियन के बारे में हमने आपको बता दिया, निश्चित तौर पर आपके बातें समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, विदेश नीति को अपने जो है पक्ष में करने के लिए कूटनीति के साधनों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है, विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीति के साधनों पर प्रकाश डालिए। तो चूंकि विदेश नीति में कूटनीति खूब चलती है और जब तक आप कूटनीति नहीं अपनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक साधन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। हालाँकि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का एक विशेष महत्व है। आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों को कूटनीति गतिशीलता प्रदान करता है। और कूटनीति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने करा था, यह अभी आप मेंशन कर सकते हो अपनी कॉपी में, क्या कि कूटनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1796 की बात है, 1796 ईस्वी में एडमंड वर्क महोदय ने किया था। और कूटनीति शब्द का बात किया तो अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, डिप्लोमेसी कहा जाता है। कूटनीति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिप्लोमेसी कहा जाता है। और डिप्लोमेसी का ये हिंदी रूपांतरण है। और डिप्लोमेसी की बात की है तो डिप्लोमेसी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से बना हुआ, किससे, ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से बना हुआ है आपका, क्या क्या बना हुआ, कूटनीति, ठीक है। और डिप्लाउन का मतलब क्या होता है, मोड़ना या फिर दोहराना, ठीक, समझ में आ गई बातें। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति है अर्गेंस्की, तो अर्गेंस्की महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच या फिर दो से दो अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है, क्या, विदेश नीति, ओके, मतलब कि कूटनीति जो होती है, ये बताइए उसने। और भी तमाम सारे व्यक्ति जैसे कि के एम पाणिकक्कर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों में आगे रखने की एक कला होती है, ठीक, ताकि जो है विभिन्न जो देश है हमारे समकक्ष में उनसे हमारा देश आगे बढ़ सके, इसको रखने के लिए जो है योजना होती है, उसी योजना को कूटनीति कहा जाता है, समझ में आ गई बातें। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि कूटनीति के साधनों पर प्रकाश डाले, साधन कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा सा साधनों को आपको बता दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो कूटनीति को हम कई अर्थ में देख सकते हैं, इसके साधन कई कई हैं, जैसे कि पहला होता है आपका कौन सा साधन, अनुनय एक साधन होता है कूटनीति का, और कूटनीति का मुख्य साधन जो है, मुख्य साधन की बात की है तो अनुनय ही होता है। और सफल राजनय में बात की जाए तो अनुनय की कला जो होती है उसकी होने की आशा की जाती है। और वार्ता करते समय पक्ष राज्य होते हैं और इसलिए अनुनय का क्षेत्र व्यापक होता है। वहीं दूसरा क्या होता है, अनुनय तो हो गया पहला, दूसरा क्या होता है, कूटनीति का जो है समझौता, क्या होता है, समझौता, समझौता आप समझते हैं ना, समझौता दो देशों के बीच में क्या हो जाए, समझौता हो जाए, कोई ट्रीटी हो जाए। तीसरा क्या होता है इसका साधन कूटनीति का, कौन सा होता है, शक्ति की धमकी देकर के, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, ओके। एक व्यक्ति है फ्रेडरिक एल सोमा, और वो इसी बात को इंगित करते हुए कहते हैं कि कूटनीतिज्ञों का प्रथम कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, परंतु सभी समयों तथा सभी परिस्थितियों में सुरक्षा शक्ति पर निर्भर करती है, इसलिए शक्ति की धमकी भी कहीं ना कहीं पे एक साधन का कार्य करती है विदेश नीति में कूटनीति के लिए, ओके।
अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न और करके कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्या मुद्दा है आपका, पहला है नाटो पैक्ट। नाटो पैक्ट क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद में दूसरे पर आपको क्या टिप्पणी करनी है, वारसा पैक्ट क्या है। तीसरा क्या है, केंद्रीय संधि संगठन। चौथा क्या है आपका, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन। अब इनके बारे में आपको समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। तो इसको समझते हैं भाई, इसको समझते हैं कि नाटो पैक्ट क्या है। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द नाटो पैक्ट। क्या होता है नाटो पैक्ट भाई। नाटो पैक्ट की बात की जाए, नाटो पैक्ट को, नाटो को अंग्रेजी मतलब कि इसका फुकाम क्या होता है नाटो का, तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। और लगभग बात की जाए नाटो पैक्ट की, तो नाटो पैक्ट में जो है एक दर्जन पश्चिमी राष्ट्रों ने अप्रैल 1949 को निम्नांकित उद्देश्यों को सामने रखा। और कौन कौन से उद्देश्य हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग सुने। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पहला उद्देश्य ये था कि सोवियत साम्यवाद को रोका जाए। नाटो पैक्ट का मतलब कि नाटो जो देश है, नाटो समझौता जो है उसके तहत यही हुआ कि क्या किया जाए, सोवियत साम्यवाद को रोका जाए। जो रूस आज देखते हैं, रूस भी यूक्रेन से मध्य युद्ध हो रहा है, तो नाटो संगठन जो है आ रहा है सब जो है इसके तरफ से यूक्रेन को बचाने के लिए। और दूसरा क्या है भाई, सोवियत आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का इस उपस्थिति में भी सामना करना, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त शक्ति तथा सहयोग प्राप्त होने की आशा ना हो, तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के आक्रमण से रक्षा करना। तीसरा इसका उद्देश्य रखा गया कि सामूहिक आत्मरक्षा के प्रादेशिक संगठनों का प्रबंध जैसी अमेरिकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए ये जो है नाटो पैक्ट जो है हुआ, यानी नाटो समझौता हुआ, उसके तदुपरांत बनाया गया। और बात की जाए नाटो में, तो जो है इसमें लगभग एक दर्जन अर्थात 12 लोग थे। 12 लोगों में कौन कौन हो गया आपका, जैसे इसमें बात की जाए, नाम लिखिएगा नाटो में कौन कौन से देश आपके, अमेरिका था, फ्रांस हो गया आपका, कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया आपका, हाईलैंड आपका हो गया, ओके हालैंड, और उसके बाद में आपका लिख सकते हो इटली भी इसी में है, डेनमार्क भी है, ओके। वहीं आप बात की जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड भी इसी श्रेणी में आता है नाटो में, और लग्जमबर्ग भी इसी में आता है, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए नॉर्वे की, तो ये भी है, पुर्तगाल हो गया आपका, ठीक है, पुर्तगाल, और आपका लास्ट कौन सा हो गया, 12वां, आइसलैंड। ये 12 देश जो है ये जो है नाटो में जो है शामिल थे। और इस संधि का समय जो था भाई, इस संधि का जो समय था वो 20 वर्ष तय किया गया था। इस संधि कब तक की संधि प्रभावी होगी, तो 20 सालों तक प्रभावी होगी। और नाटो ने जो है इसी जो है अभी इसी वर्ष, बात की जाए लगभग इसी वर्ष, क्या आप अभी देख रहे होंगे ना कि जो है संगठन चल रहा, तो नाटो का संगठन अभी भी देखिए कि कैसे आ रहा है सामने। तो ये होता है आपका, ठीक, क्लियर हो गई बात, ये तेरी नाटो के बारे में बता दिया। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगर आपको ज़्यादा डीपली इसके बारे में देखना है, एग्जाम से में देख लीजिएगा, तो आप एक बार गूगल कर लेंगे सभी के बारे में, नाटो पैक्ट के बारे में निश्चित तौर पर आपको जानकारी मिल जाएगी, डाटा मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा था तो वहाँ पर तमाम सारे डाटा मिल जाएंगे, कब लागू हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कितने देश थे, क्या नाम है, सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर नाटो पैक्ट गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ के देखते हैं वारसा पैक्ट क्या है। वारसा पैक्ट को जो है पूर्वी यूरोपीय जो है संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है, वारसा पैक्ट, ओके। वारसा की स्पेलिंग क्या होती है, WARSAW, ओके, ये होता है वारसा। वारसा पैक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्वीय यूरोपीय संधि संगठन। अब ये क्या भाई, पूर्वी यूरोपीय शक्ति संगठन मतलब संधि संगठन। तो बात की जाए 14 मई का दिन था, 1955 वर्ष है, 1955 की बात है, 14 मई का दिन था, ये संधि जो है संगठन हुआ सोवियत रूस के नेतृत्व में। और इसमें पूर्वी यूरोपीय जो देश हैं उनकी नाटो सैन्य संगठन से रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया, क्योंकि जब अमेरिका ने, चूँकि अमेरिका और रूस जो है दो सैन्य शक्तियाँ थी, महारथी थे दोनों। अब हुआ क्या कि जब नाटो था तो नाटो बनाया किसने, अमेरिका के नेतृत्व में बना, और वो जो है सोवियत संघ से रक्षा के लिए बनाया गया था कि सोवियत संघ अगर आक्रमण करता है आप लोगों पर तो ये जो है सारे के सारे देश मिलकर के उस पर आक्रमण करेंगे। अब हुआ क्या भैया, हुआ क्या कि अब रूसवा जान पाई इसकी, हाँ भाई ये बनाए नहीं हमारे अमेरिका वाले, अब यह तुरंत बनाए इसके, इसकी कहा मुन्ना कहाँ जा, तो मुन्ना तो भाग कर हम बने गए, तो तुरंत यह बनाइस।
काव बनाए इस पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन। ऐसा का हुआ भाई किसकी रक्षा के लिए, कि अगर मान लेते हैं नाटो सैन्य संगठन जो है वो हमला करता हम लोगों पर, तो उससे रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए स्थापित किया गया। और इसमें शामिल होने वाले 8 देश हैं 8 राज्य। अब 8 देश कौन से थे इसमें, आप बड़े ध्यान सुनिएगा, 8 देश कौन है, पहला तो अपना सोवियत संघवा हो इनका रहा रुसवा, और दूसरा कौन सा होएगा आपका, चोकोस्लाविया रहेगा वह, चूँकि स्लाविया सोवियत संघ, पहला क्या सोवियत संघ, दूसरा कौन सा चोकोस्लाविया, तीसरा क्या था शामिल इसमें पोलैंड, चौथा कौन सा था बुल्गारिया, और पांचवा कौन सा था आपका हंगरी, छठवा कौन सा था भाई पूर्वी जर्मनी, और सातवां कौन सा था इसमें रोमानिया। तो ये जो है 7 देश आपके लगभग 8 देश जो है शामिल थे। देखिए क्या क्या, सोवियत संघ एक, ओके, दूसरा कौन सा चोकोस्लाविया, तीसरा कौन सा होगा पोलैंड, चौथा कौन सा होगा बुल्गारिया, और पांचवा कौन सा होगा आपका हंगरी, छठवा कौन सा हो गया आपका पूर्वी जर्मनी और रोमानिया, ये देश जो है शामिल थे इसमें। और इसी के साथ साथ जो है इस देशों ने जो है लगभग जो है 20 वर्षों की अवधि इन्होंने भी तय करी थी, 20 वर्षों तक ये TT चलेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार आप जो है वारसा पैक्ट के बारे में भी गूगल करके आप इसके बारे में और भी जानकारी ग्रहण कर सकते हो, ठीक है, तो आप और भी गूगल के पर सर्च करके जानकारी ग्रहण कर सकते हो, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अब इसको चर्चा कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर नज़दीक है इसलिए आप एक बार जरूर गूगल कर लीजिएगा, ओके, लिख लीजिए इसको वारसा पैक्ट, नाटो पैक्ट, इन सभी को। वहीं आगे देखते हैं केंद्रीय जो है संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बगदाद समझौता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बगदाद समझौता, केंद्रीय संधि संगठन को बगदाद समझौता के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से भाई, बगदाद समझौता के नाम से जाना जाता है, ओके। तो बात की है बगदाद समझौता की, तो इसको अंग्रेजी में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और बगदाद समझौता जो हुआ था या पैक्ट हुआ था जो बगदाद वाला, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण ये था कि पहला कारण क्या था कि ब्रिटेन जो था वो अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था तथा मध्य पूर्व के देशों में हस्तक्षेप बनाए रखना चाहता था, पहला कारण। और दूसरा कारण इसका क्या था, दूसरा कारण ये था मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पश्चिमी राष्ट्र चाहते थे, क्या चाहते थे पश्चिमी राष्ट्र, कि साम्यवादी प्रसार को रोका जाए, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अरब राष्ट्रों के में बढ़ती हुई जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उन भावनाओं पर नियंत्रण जो है रखा जाए, उसकी सुविधा की जाए, ये था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश निर्देश में, ब्रिटेन के निर्देश में क्या हुआ, ब्रिटेन के निर्देश में क्या हुआ, उसी और निर्देश दिया उसने और प्रेरणा भी दी, और उसके निर्देश और प्रेरणा में मोटिवेशन के तदुपरांत क्या हुआ, बात करें हम तो 24 फरवरी का दिन था, 24 फरवरी 1950 की बात की जाए तो 24 फरवरी 1950 ईस्वी को टर्की तथा ईरान में एक संधि होती है, और इस संधि में कहा जाता है कि मध्य पूर्व तथा अरब लीग में रुचि लेने वाले सभी राज्य क्या करेंगे, इस संधि में शामिल हो सकेंगे। ग्रेट ब्रिटेन ने सन 1955 ईस्वी में इसकी सदस्यता ग्रहण की, और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैन्य संगठनों में भाग लेने की जो नीति अपनाई थी उसी के तहत उसने बगदाद संधि जो है कि भी सदस्यता प्राप्त कर ली, और अमेरिका ने इस संधि को संपन्न करवाने में तो रुचि ली परंतु इसमें शामिल नहीं हुआ। वास्तविकता यह थी कि इस संधि से मात्र ब्रिटेन को विशेष लाभ की संभावनाएं थी, अमेरिका को उतनी नहीं थी, इसलिए अमेरिका इसमें विशेष दिलचस्पी नहीं दिखा सका। और अमेरिका जब भी कोई कार्य करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला आपका क्या है भाई, अगला आपका होता है, तो ये केंद्रीय संधि संगठन हो गया आपका, अगला है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, क्या, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रोटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, तो बात की जाए इस संगठन की, तो इस संगठन ने जो है निर्माण के कई कारण थे, जैसे कि कारण इसका क्या था कि साम्यवादी प्रसार जो हो रहा है लगातार उसको उस पर रोक लगाई जाए, चीन के बढ़ते साम्राज्यवादी प्रभाव के कारण से चर्चिल जो था अमेरिका का जो है, तो चर्चिल ने अमेरिका के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के साथ है ये, तो इन्होंने क्या किया अमेरिका के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि नाटो की तरह हमें सीटों मतलब कि सीटों की भी आवश्यकता है और सीटों भी हमको दी जाए। अब सीटों का फुल फॉर्म मतलब सीटों को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, सीटों को क्या बोलेंगे, सीटों जैसे कि SEATO, इसी को सीटों बोलेंगे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये था। तो
को अमेरिका से, जैसे कहा कि नाटो जैसे बाप ने बनाया, उधर ऐसे सीटों बना दीजिए ठीक साउथ के लिए ठीक। तो प्रारंभ में अमेरिका इस संगठन की स्थापना करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि वह समझता था कि ब्रिटेन तथा फ्रांस इस प्रकार के संगठन द्वारा मात्र अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहते हैं। परंतु क्या हुआ कि कोरिया युद्ध के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनके कारण से क्या हुआ, अमेरिका जो है इस समझौते की आवश्यकता प्रतीत हुई और उसने क्या किया, इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने क्या हुआ जो है तत्कालीन दूरदर्शी विदेश मंत्री थी उनके जॉन फस्टर डैलेस, उन्होंने क्या किया लंदन पहुंच गए वो, और लंदन पहुंच करके ब्रिटेन के सामने नाटो जैसी एक संस्था की सामूहिक सुरक्षा हेतु स्थापना करवाई और इस स्थापना की आवश्यकता को स्वीकार किया और एक योजना भी प्रस्तुत करी। और उसके तहत 8 सितंबर का दिन था, 8 सितंबर 1954 को मनीला शहर में क्या हुआ, मनीला शहर में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपस में एक सुरक्षा संधि की और यही संधि आधार बनी किसकी, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन की। सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने स्वतंत्रता, समानता, शांति, जनतंत्र, कानूनी व्यवस्था इनके महत्वपूर्ण विश्वास को प्रकट किया। तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये आप लोग एक बार ज़रूर गूगल करके आप लोग इनके बारे में जान लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, क्या प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव शैथिल्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका तनाव शैथिल्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तनाव शैथिल्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव शैथिल्य के बारे में पूछ रहा है, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में पूछ रहा है। तनाव शैथिल की तमाम सारी घटनाएं हमने आपको बता दी। वैसे तनाव शैथिल होता क्या उसको समझ लीजिए, तनाव की शिथिलता जो है फ्रेंच भाषा के हितांत शब्द का जो है शब्द मतलब कि बनी हुई है, और हितांत का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हितांत का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है, सोवियत या फिर अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भावना, इन सभी से होता है किसका अर्थ, तो हितांत का अर्थ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और तनाव शिथिलता जो है हितांत के बारे में ही दिखाती है, इसकी कई सारी घटनाएं हैं तनाव शिथिलता की। पहला तो हमने आपको बता ही दिया था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जुलाई 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन मास्को में हुआ था, जिसमें भूगर्भ को छोड़ करके वायु, समुद्र और आकाश में अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा जो इसका तनाव शैथिल्य ये हुआ कि परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि हुई, कब हुई, 1968 में हुई। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने क्या किया, परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया। तीसरा जो इसका जो है प्रमुख घटनाएं हैं तनाव शैथिल्य की, कौन सी है, तीसरी घटना है आपकी हॉटलाइन समझौता। हॉटलाइन समझौता क्या है, 1963 में हुआ और इसमें क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के मध्य हार्ट जो है हॉटलाइन का निर्माण हुआ, जिसमें कोई भी महाशक्ति पहले अणुशक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा जो है इसमें बताया गया। और चौथी बात यह है कि मास्को बीन समझौता हुआ, क्या मास्को बीन समझौता, ये भी कहीं ना कहीं परमाणु मतलब कि तनाव शैथिल्य की ही घटनाएं हैं। कौन सी, मास्को बीन समझौता। मास्को बीन समझौता कब हुआ, 10 अगस्त 1970 ईस्वी को पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ के मध्य में एक संधि हुई, और जिसमें कहा गया कि पश्चिमी जर्मनी और जो सोवियत संघ है ये एक दूसरे के क्या होंगे, खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मास्को बीन समझौता में हुआ। पांचवा जो इसका तनाव शैथिल्य का जो घटनाएँ हैं, पांचवी घटना कौन सी है आपकी, बर्लिन समझौता। बर्लिन समझौता ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बर्लिन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, और दोनों बर्लिन के लोग जो है एक दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते थे। सन 1971 की बात है, उसमें हुए एक समझौते के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, तो ये व्यवस्था की गई। इसमें पांचवी छठवा जो एक प्रकार से बात की जाए तनाव शैथिल्य का जो घटना है, छठवीं घटना है दो जर्मन राज्य के बीच में समझौता हुआ। और ये क्या है भाई, दो जर्मन राज्य के बीच में जो समझौता हुआ, तो पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी जो है एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे पहले, और उसके तहत क्या हुआ, अब एक समझौता कर दिया गया। और 8 नवंबर 1972 को दोनों राज्यों ने एक दूसरे को मान्यता दे दी। अब सन 1989 में दोनों जर्मन राज्यों का एकीकरण हो गया, ये बात है।
सातवां जो इसका जो है तनाव शिथिल का घटना है, सातवीं घटना कौन सी है, कोरिया का समझौता। कोरिया का समझौता क्या है, 1972 ईस्वी की बात है, अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा पर गए थे। कौन, निक्सन, जो कि कहाँ पर गए थे, सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा पर गए थे। और मास्को में क्या हुआ, उन्होंने सोवियत नेताओं से यह समझौता किया कि आपसी विवादों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा, जो है अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से नहीं। आठवां जो इसका था भाई वो कौन सा था, मास्को शिखर वार्ता। मास्को शिखर वार्ता की बात की है तो 1972 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, हालांकि यही तो मास्को समझौता था, मास्को समझौता तो हमने आपको बता दिया, मास्को समझौता ये बताया था कि 1972 ईस्वी में हुआ है, निक्सन के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो है सोवियत संघ के नेताओं के बीच में, ठीक है। कोई भी चीज़ होगा तो मास्को में हुआ समझौता, कोई भी चीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, हम बातों से समझौता करेंगे। ओके, वही बात की जाए, वही बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी, वही बात की जाए कोरिया, कोरिया समझौता नहीं बताया हमने ना, कोरिया समझौता। कोरिया समझौता क्या, 1972 में हुआ, दोनों कोरियाई देशों के बीच में एक समझौता किया गया और कहा गया कि दोनों जो कोरियाई देश हैं वो एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, ये बात हुई। नौवां जो था सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता हुआ, साल टू, यानी कि इसको साल टू के नाम से जानाता है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1972 ईस्वी की बात है, उसमें हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। वहीं दसवां जो इसकी घटना है तनाव शिथिल की, कौन सी घटना हो गई आपकी, दसवीं घटना यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलस्की और जिनेवा में 1973 ईस्वी की बात है। अगस्त 1975 ईस्वी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करके शीत युद्ध का अंत करने का निर्णय लिया गया, ये बात है। ओके, वही बात की जाए ग्यारहवां इसका तनाव शिथिल का घटना कौन सी, ग्यारहवीं घटना आपकी है व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन। और व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन जो हुआ था, नवंबर का महीना था 1974 में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव था, उसी तनाव शिथिल का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था ये इसमें। और बारहवीं चीज़ ये है, बारहवां आपका है कि वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा। सन 1975 की बात की जाए तो अमेरिका की अपोलो और सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक दूसरे से मिले और इस घटना से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिला। ये सब तनाव शिथिल के क्या है, तनाव में शिथिलता है, तनाव में शिथिलता समझ रहे ना, कि दोनों दो देश हैं उनके बीच में जटिलता बनी हुई है, मतलब एक दूसरे से मुँह नहीं, मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि मान लेते हैं कि आप, हम मान लेते हैं कि आप दो लोग हो, आप दोनों लोग आप क्या करते हो, मान लेते हैं प्यार करते हो, आप लड़का लड़की हो प्यार करते हो, हुआ क्या कि दोनों में कुछ झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर के, अनबन हो जाए, अब झगड़ा हो जाए मान लेते हैं दोनों के बीच में, तो होगा क्या भैया, झगड़ा हो गया मान लेते हैं, अब झगड़ा हुआ उसके बाद में क्या हो जाए, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप के बाद में क्या होता है, तुम अलग मुँह बैठे घूम रहे हो और महारानी अलग मुँह बैठे घूम रही है, तो होगा क्या, देवी देवी उधर है और देवता इधर, तो दोनों लोग क्या है, मुँह जो है ऐठे घूम रहे हैं, ना तो ये सवारी बोलेंगे ना वो तो सवारी बोलेंगे, आजकल यही होता है मार्केट में आप देखेंगे, तो होगा क्या भाई, होगा क्या, अगर आप नहीं बोलेंगे दोनों में से एक तो क्या हो जाएगा, ये तनाव की अधिकता हो जाएगी, तनाव जटिलता बोलेंगे कब, जब दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो उसको तनाव जटिलता आप बोल सकते हो। और जब क्या हो कि दोनों लोग क्या करें भाई, खिलखिला करके फिर जब सब हो गया ब्रेकअप हुआ उसके बाद में क्या करें, मेरी गलती थी, और उधर से हाँ मैं कहना भूल गई, मैं पहले यही बोलने आई थी कि मेरी गलती थी, अरे अरे नहीं आपकी गलती कैसे हो सकती है, आप तो देवी स्वरूप हैं, मेरी गलती थी, तो फिर अरे नहीं नहीं आप देव देवतुल्य हैं, परम पूजनीय हैं, तो आप आपकी गलती कैसे हो सकती है, मेरी गलती थी, ऐसे मधुरम शब्दों से अगर एक दूसरे से बात करें और कहेंगे कि जब भी कोई जो है ऐसे हम लोगों के बीच में सिचुएशन आएगी तो हम लोग ऐसे ऐसे इसको हैंडल कर लेंगे, तो आप अगर ऐसे बातों चीतों के माध्यम से हैंडल करेंगे तो ये क्या होगा कि तनाव में आप दोनों की शिथिलता आएगी। शिथिलता माने कमी, शिथिलता माने क्या होती है, कमी, लोच, ठीक समझ लें ना, कि तनाव नहीं रहेगा दोनों के जो है आंतरिक भाव में, जैसे देश के दो भाव पे हो गया, किसी दो प्रेमियों के युगल के बारे में हो गया, ये इसी प्रकार से, या आप देखेंगे अलग अलग तरीके से, तो ये होगा तनाव जटिलता, तनाव शिथिलता समझ में आ गई बातें। तो तनाव शिथिलता की ये कई जो है घटनाएं हैं जिनके माध्यम से क्या हुआ, दो देशों के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते के बाद में क्या हुआ, तनाव में शिथिलता आई, शिथिलता माने कमी आई तनाव में, दोनों देशों में मधुरम संबंध स्थापित हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, तो नवमी में भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था और आज नवरात्रि स्टार्ट भी हो चुकी है,
उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और व्रत होंगे आप सभी लोग, कुछ लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग करके देख रहे होंगे। आप सभी लोग इंजॉय करें, माता रानी की प्रार्थना करें। भगवान श्री राम का खास करके नवमी को जन्म होता है चैत्र माह के, तो ये इसलिए फेमस है। और हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो ये हिंदू नववर्ष की श्रेणी में आता है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष परिवार आज है तो ये ठीक है। चलिए तो और एक और आया था आपका जो है सामरिक शस्त्र परसीमन, हालांकि इतना आधा अगर आपको याद करना है तो याद करिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया आपका ठीक। तो ये हो गया आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव शैथिल्य की प्रमुख घटनाएं जो कि हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न क्या है आपका और करके दिया है, शक्ति की कोई चार विशेषताएं बताइए। शक्ति की कोई चार विशेषताओं को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। शक्ति की कोई चार विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करो आप सभी लोग। शक्ति की कोई चार विशेषताएं देखिएगा फटाफट से। शक्ति की पहली विशेषता क्या होती भाई, शक्ति की पहली, शक्ति का अर्थ क्या होता है, शक्ति संबंध का, शक्ति संबंध का बात किया तो ये इसका संबंध स्थिति से होता है। मतलब ये है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले वर्ग की स्थिति या व्यक्तित्व किस प्रकार का है। एक पद पर एक व्यक्ति पद की गरिमा और पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी पद पर काम करते हुए वो उसमें असफल हो जाता है और उससे पद की गरिमा भी कम हो जाती है। तो पद की गरिमा एक होता है कि एक व्यक्ति पद पर बैठता तो उसकी गरिमा को और बढ़ाता है ठीक, उसको पराकाष्ठा तक ले जाता है। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है वो क्या करता है, वो जो है उसको बहुत ज़्यादा नीचे लेकर के जाता है ठीक। तो ये चीज़ है शक्ति की कौन सी विशेषता हो गई, पहली विशेषता तो यही हो गई क्या कि शक्ति का संबंध स्थिति से होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे, मान्यता की अनिवार्यता। मान्यता की अनिवार्यता का मतलब क्या होता है, शक्ति तभी वैध होती है मेरे प्यारे दोस्तों जबकि उसके पीछे मान्यता होती है। जब शक्ति के पीछे कोई ना कोई मान्यता होगी तभी शक्ति आपकी कानूनी मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। यदि जनता उसे मान्यता ना दे या उसकी आज्ञा का पालन ना करे अथवा अनुशासन का परिचय ना दे और शासक उसे अनुशासन में ना रख सके तो वह शक्ति नहीं कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रही बातें ना, अगले मुद्दा देखते हैं। तीसरा क्या होता है, उद्देश्य परकता। उद्देश्य परकता क्या है इसको समझते भाई। उद्देश्य परकता की बात की जाए तो शक्ति का प्रयोग जो होता है किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। और इसीलिए उद्देश्य परकता, यदि शक्ति का प्रयोग उद्देश्यहीनता के लिए किया जाएगा तो वह व्यर्थ होगा यानी निष्प्रभावी होगा निश्चित तौर पर, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। समझ में आगे बातें। चौथा शक्ति की विशेषता ये होती है कि शक्ति क्या होती है, अमूर्त होती है, अर्थात शक्ति को देख नहीं सकते आप, न तो शक्ति को आप टच कर सकते हो, शक्ति को आप महसूस कर सकते हो। इस प्रकार से आप प्यार को महसूस करते हैं, घृणा को महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप किसको महसूस करेंगे, आप शक्ति को महसूस करेंगे मेरे भाई। समझ में आ रही बातें कि ऊपर से जा रही, समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, अभी हमने डाली थी, वो दुर्गा कुंड एक मंदिर है बनारस में पड़ता है, तो वहीं पर जो है वहीं से मैं गुजर रहा था और यही समय बनारस में ही था। तो हुआ क्या कि वहीं से मैं गुजर रहा था तो दुर्गा कुंड मंदिर के आसपास, तो वीडियो शूट कर ली हमने थोड़ी सी। और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी उधर से जा रहा, थोड़ी रोड पे ही एक चाय की दुकान थी, तो उस चाय पे जो है मतलब कि पता नहीं क्या लिखा था कि चाय वाला बेवफा चाय वाला ऐसा कुछ लिखा था वहाँ पे, ठीक है बेवफा चाय वाला, उसमें लिखा था कि जो प्रेम करने वाले हैं उनके लिए चाय का दाम लिखा था 15 रुपये, प्रेम करने वालों के लिए मात्र 15 रुपये में एक चाय, और जो व्यक्ति प्यार में धोखा खाए हुए हैं उनके लिए 10 रुपये में चाय। देखिए अब उस पर वो चाय वाले पे लिखा था, हमने देखा भाई अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, और मतलब बहुत पहले देर तो फिर उसके बाद में जा करके हंसे, पहले हम सोचे अरे वाह भाई बड़ा दिमाग लगा लिया। इसी के चक्कर में बहुत सारे जो जिनका जो है प्रकार से ब्रेकअप वगैरह होता जाते चाय वगैरह वहाँ पीते, और मतलब वो देखे बड़ी जो है हम देखे भाई यार वाह मज़ा आ गया। अब आप लोग ये ना मत पूछिएगा कि आपने पी थी कि सब्जी नहीं पी थी, नहीं हमने नहीं पी थी, चाय ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, वैसे पढ़ाते हुए मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो बाकी मैं रोड पर खरीद करके चाय कभी नहीं पिया हूँ, अधिकतर जो है मैंने नहीं पिया चाय, तो ऐसी बात नहीं है। तो हालांकि आगे हम समझते हैं, तो ये हो गया आपके चार विशेषताएँ हो गई शक्ति की। पाँचवा क्या हो गया भाई, पाँचवा आपका प्रश्न क्या है, पाँचवा प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके समझ आ चुका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को संक्षेप में बताइए। संक्षेप माने क्या होता है, कम शब्दों में बताइए।
संक्षेप माने क्या होता है भाई, कम शब्दों में बताओ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो महत्व है उसको संक्षेप में बताइए, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप समझते मुन्नमा हम लोग बढ़िया से, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय का पहला महत्व क्या होता है? पहला महत्व यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लिखेंगे, पहला महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके इनका युक्ति युक्त समाधान खोजना होता है, पहला इसका महत्व। दूसरा महत्व, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक होता है। आधुनिक विश्व के निर्णायक तत्वों में आप देखेंगे निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, ये सब प्रमुख होते हैं इनमें, ठीक है। आधुनिक विश्व के निर्णायक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति की, जो विश्व की राजनीति है उसके निर्णायक तत्वों को हमें ज्ञान होता है कि हाँ निःशस्त्रीकरण क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, इनके बारे में तभी हम जान पाएंगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परिचित होंगे। तीसरा महत्व इसका ये है कि विश्व शांति आज के युग की अप्रतिम आवश्यकता है, और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों, विश्व शांति तथा युद्ध का अध्ययन करना होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चौथी महत्व इसका यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, चौथा महत्व क्या है कि जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार का एक ही सपना बना रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक। ये कई सारा महत्व है, आप पांचवा महत्व बता सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय शक्ति की गूढ़ता को हृदयंगम करता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के मर्म को समझने का प्रयत्न भी करता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ओके। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार आचरण करते हैं, और इस आधार पर हम यह जान सकते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं कि वांछित अंतर जो राष्ट्रीय है जो व्यवस्था होती है उसकी स्थापना के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, ये तमाम सारी बातों का ज्ञान हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने के बाद में पता चलता, तो ये महत्व उसका है। अगला प्रश्न और करके दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपकी परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए, भाई समझते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी आप कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है विभिन्न निकायों, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न निकायों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान है उसमें, चूँकि संयुक्त राष्ट्र का ही एक निकाय है अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, अभिन्न अंग है। आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं, साथ ही यह भी व्यवस्था है कि अन्य राज्य भी इसके सदस्य हो सकते हैं, और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो हेग में स्थित है, नीदरलैंड में हेग है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व की मुख्य केंद्रीय प्रणाली पर केंद्रित होता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के अतिरिक्त यह एक परमार्थ जो परामर्शदात्री का कार्य भी करता है, मतलब परामर्श देने का कार्य करता है, और इतना सब होने के बावजूद जो है इसे विश्व का सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना जा सकता, जब तक किसी विषय में अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक इसके निर्णय भी अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं होते। इसके साथ ही साथ कोई देश अपना विवाद इसके समक्ष रखने के लिए बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 36 के संबंध में मात्र 40 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे और उसमें भी अनेकों अनेक विषय आरक्षित कर दिए गए थे, जैसे अलबसिया जल विवाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो निर्णय दिया वह ब्रिटेन की जो है दखलअंदाजी के प्रति प्रश्नचिन्ह तो लगता ही है, साथ ही साथ यथार्थ के धरातल पर परिणामों की भिन्नता को भी उपस्थित करता है, और इसी प्रकार भी निश्चित व्यय मामलों जो मामले हैं उनके संबंध में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक आवश्यकता को तो स्वीकार किया, लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय को इसका संपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा जा सकता। तो इस प्रकार से आप इसकी टिप्पणी लिख सकते थे बड़ी आसानी से। आगे समझते हैं और इस मुद्दों को हम, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है,
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आने वाला है, कौन सा प्रश्न है देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है आपका निशस्त्रीकरण। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, छठवां नंबर प्रश्न है। छठवां नंबर प्रश्न क्या है कि निशस्त्रीकरण की असफलता के कारण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि निशस्त्रीकरण की असफलता के कारण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। निशस्त्रीकरण क्या है भाई, समझते हैं उसको, निशस्त्रीकरण। ठीक है, तो नी माने होता है लगभग नहीं, ओके। शस्त्रीकरण मतलब होता है कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसी को निशस्त्रीकरण कहते हैं। अब निशस्त्रीकरण की असफलता क्यों हो गई उसको समझते हैं। पहला कारण इसका ये है कि जर्मनी और इटली में तानाशाही ताकतों का उभरना और उनका इस जो है शास्त्रों की शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करना, क्या जो है तानाशाही ताकतें उभरी और तानाशाही जो ताकतें थी उन्होंने शस्त्रों की शक्ति पर ज़्यादा विश्वास किया, इसीलिए निशस्त्रीकरण नहीं चल सका। दूसरा कारण इसका ये था कि निशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों की मना स्थिति नहीं थी। तीसरा कारण ये था कि सभी राष्ट्रों को समान स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था। जापान अपने को अमेरिका तथा ब्रिटेन के समकक्ष रखना चाहता था, जबकि अमेरिका जापान की शक्ति को नियंत्रित रख करके अपने से कमज़ोर रखना चाहता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सभी देश जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए और निशस्त्रीकरण का जो नियम था ये फार्मूला चल नहीं सका। ठीक वही तीसरा जो चौथा कारण था कौन सा था कि कुछ मतलब कि ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की गई इसमें, जिसमें क्या हुआ क्या बताया गया कि कुछ जो है नौसैनिक शास्त्रों का निर्माण करने वाली कंपनियों ने अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रख करके कुछ देशों के प्रतिनिधियों को धन दिया ताकि सम्मेलनों को असफल बनाया जा सके। तो इस प्रकार से जो कंपनियां हथियार बनाती थी उसने भी नहीं चाहा कि उनका रोजी रोटी छिन जाए, इसीलिए उसने भी जो है बड़े बड़े देशों को दे दिया पैसा कि भैया जो है किस तरीके से रोजी रोटी चलने दो, तो कहा ठीक है भाई चलाओ आप। ठीक है, और पाँचवा कारण ये हो सकता है कि राष्ट्रों में स्वार्थ की भावना सहयोग की भावना से प्रबल थी और वे निशस्त्रीकरण इस प्रकार करना चाहते थे जिससे उनकी शक्ति तो बढ़े लेकिन जो उनका विपक्षी है या उनका जो दुश्मन है, दुश्मन देश है, उनकी शक्ति घटे। और यह भी स्पष्ट होता है यहाँ पर कि शांति का पक्षधर और निशस्त्रीकरण के प्रति सिर्फ उनका राष्ट्रकृत संकल्प है, दूसरा नहीं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं तो निशस्त्रीकरण इसीलिए जो निशस्त्रीकरण है ये असफल रहा। तो ये कई कारण थे जो कि हमने आपको बता दिए। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि न्याय परिषद के क्या उद्देश्य हैं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। न्याय परिषद के क्या उद्देश्य हैं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझते हैं कि भाई जो है न्यास परिषद है ना, न्यास परिषद के क्या उद्देश्य हैं, आइए समझते हैं हम कि न्यास परिषद होता क्या है। चलिए, ये तमाम सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अच्छे हैं और पूछे जा सकते हैं। तो न्यास पॉइंट क्या है भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। न्यास परिषद के क्या उद्देश्य हैं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। न्यास परिषद की बात की जाए, न्यास परिषद की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था मेरे प्यारे दोस्तों कि पराधीन या फिर अर्थ स्वतंत्र राष्ट्रों की उचित रूप से देखभाल की जाए। इसके पहले राष्ट्रसंघ ने भी इसी प्रकार एक व्यवस्था की थी जिसे मैंडेट व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के आज्ञा पत्र में उपरोक्त संदर्भ में दो बातें कही गई थी, और कौन कौन सी बातें थी। पहली बात तो ये थी कि सुरक्षित मतलब कि संरक्षित प्रदेशों के निवासियों नागरिकों का हित देखना, और दूसरी ये बात थी कि संरक्षण करने वाले जो राज्य हैं उनको आदेश मतलब कि आदेश है कि वे इनका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक तथा शिक्षा संबंधी विकास करने की व्यवस्था करेंगे। और संरक्षणकर्ता जो होते थे उनको कई आदेश मिले थे। अब हम समझते हैं कि भाई इसके क्या जो है थोड़े से क्या कार्य थे, क्या उद्देश्य थे। तो इसका पहला जो उद्देश्य या कार्य था भाई, इस परिषद का कौन सा कार्य था, पहला क्या था आपका कि संरक्षित राज्यों के नागरिकों को संस्कृति, शिक्षा, न्याय, सामाजिक और आर्थिक स्तर की सुरक्षा और उन्नति दी जाए। दूसरा क्या था, निवासियों पर अत्याचार ना किए जाएं बल्कि अत्याचारों से रक्षा की जाए। तीसरा क्या था, निवासियों के राजनीतिक स्वर को ऊंचा उठाना और इसे योग्य बनाना ताकि वह स्वायत्तता तक पहुँच सकें। चौथा इसका उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना किया जाना। पांचवा उद्देश्य आप लिख सकते हो जो है इसका न्यास परिषद का कि इसके सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों को महत्व देना तथा विकास के लिए अन्य रचनात्मक कार्यों को भी बढ़ावा देना इसका कार्य मतलब कि महत्व हुआ करता था। तो ये कई चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी। इसके अलावा और भी न्यास परिषद के कई उद्देश्य थे, जैसे कि अगला उद्देश्य आपका छठवां उद्देश्य कि जो है इसकी उन्नति हेतु वैज्ञानिक तथा अनुसंधान के कार्यों में वृद्धि किया जाए।
और सातवां इसका ये था कि समय समय पर महासचिव को इनकी आर्थिक, सामाजिक या शिक्षा से संबंधित जो स्थिति है उन सभी की आंकड़े उपलब्ध करवाना, ये तमाम सारे कार्य जो थे इसके थे, अर्थात बात की जाए ये इसके उद्देश्य थे। ओके, क्लियर हो गई बातें। एग्जाम्स में आपके और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभा के जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसके क्या कार्य हैं, तो इसके कई कार्य हैं उसको लेकर के एग्जाम से प्रश्न आते रहते हैं। तो जैसे कि विश्व के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, धार्मिक व सामाजिक विकास करना, जाति भाषा व जो है धर्म व लिंग में भेदभाव ना हो इसको हटाना, मतलब कि भेदभाव ना किया जाए ऐसी व्यवस्था करना, मानवाधिकार स्वतंत्रता की रक्षा करना, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, प्रस्तावों पर निर्णय बहुमत के आधार पर करना, एक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन करना, अपनी संस्कृतियाँ जो है बनाए रखना और करना, और साधारण सभा के आदेशों पर कार्य करना। ये तमाम सारे संयुक्त राष्ट्र सभा का जो एक प्रकार से बात की जाए जो सामाजिक और आर्थिक परिषद के इसके कार्य थे, ठीक वही बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य ये था कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा कायम रखना, आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा उद्देश्य इसका यह था कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद जो है उसको विघटन की प्रक्रिया, मतलब कि उसकी विघटन की प्रक्रिया को दिया था, तो ये जो उपनिवेशवाद है कि ख़त्म किया जाए ऐसा। और चौथा इसका मानना था कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन एवं पुष्ट करना। ये तमाम सारे उद्देश्य थे किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। वही निःशस्त्रीकरण और जो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे। वहीं और भी उद्देश्य जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्र एवं पृथक स्वायत्तता, ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। तो ये कई सारे उद्देश्य जो कि हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। यहाँ पर हमने 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लिया और 10 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लिया, 20 आपके अति मतलब की प्रश्न तैयार हो गए। निश्चित तौर पर अब इसके बाहर आपसे एग्जाम से नहीं आने की संभावना रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास, और सभी जो है लोग वीडियो को 10 लोगों के पास शेयर करेंगे। अब आपका आता दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न, तो दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न आप अपनी सीरीज वगैरह में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं तो उनको उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कौन कौन से प्रश्न पढ़िएगा। खंडसा की बात की है तो यहाँ से 2 प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए और यह राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एवं कार्य व्यवहारों में उससे किस प्रकार से भिन्न है इसको बताएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे, 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख समस्याएँ जो हैं उनके बारे में आप बताएँ, मतलब कि प्रकाश डालें तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएँ क्या क्या हैं। अगला वही 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, समकालीन विश्व राजनीति की विशेषता के रूप में जो है और उसमें अमेरिका के मध्य संघर्ष के रूप में इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये हमने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया भी, लेकिन एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़िएगा। वहीं अगला देखते हैं जो है 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत का निःशस्त्रीकरण के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, इसका परीक्षण कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये तमाम सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। होगा इतना आपको बता दूं कि सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में टॉप करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और एक बड़ा मौका है। आप लोग इस वीडियो को बहुत पहले अपलोड हो चुकी है, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करने का जबरदस्त तरीका इसमें बताया गया है, तो अगर आपकी परीक्षा बहुविकल्पी है तो आप ये देख सकते हो, ये बी सी बी का बोलो। और आपकी बात की जाए पढ़ना आपको कैसे है, तो सभी प्रश्न आपके याद रहे जिसके कारण से, तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें भी आपको ट्रिक बताई गई है, मनोवैज्ञानिक तरीके के बारे में चर्चा की गई है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा से बनाए रखें। शुक्ला एक पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है और यही चाहिए आपसे, और मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और यही जो है प्यार दुलार दिखाइएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।